का सेवक हो, गुरु चरणों का दास हो। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हो। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में श्री अद्वैत दादा।
किसी चीज में लगती नहीं, इसलिए मंत्र मतलब होता है ये जो मन जो भटकता हुआ मन को जो इधर उधर भटकने नहीं दे। इसलिए इसमें जो शब्द है कृष्णा, क्या शब्द है कृष्णा, हरे कृष्ण मतलब क्या है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, असना मतलब होता है आनंदना, मतलब है कृष्ण नाम लेने पर हमारा मन जो भटकता है उसको भटकने नहीं दे,
और जीवन में हमें जो आनंद दे, इसलिए उसका नाम कृष्णा। एक समय साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज को रिसर्च किया, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाता है, मन को शांति मिलती है। एक समय साइंटिस्ट ने ये चीज को रिसर्च किया, देखो क्या रिसर्च किया, उन लोगों ने तीन ट्रे लिया और तीन ट्रे में जो साबुत जो मूंग दाल उन्होंने रख लिया और तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी दे करके तीन जगह पर अलग अलग तीन जगह पर रखा। एक जगह पर तो भैंस रख लिया और एक जगह पर जो हरे कृष्णा जो महामंत्र कैसरी चला दिया और एक जगह पर जो रक म्यूजिक का चला दिया। बोले देखते हैं इसमें होता है क्या। तीन दिन बाद में देखा जहाँ पर भैंस से मूंग दाल रखा हुआ था वहाँ थोड़ा अंकुर आया और जहाँ पर भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा था वहाँ डबल तीन डबल अंकुर आया और जहाँ पर ये रक म्यूजिक चल रही थी वहाँ एक भी अंकुर नहीं आया। इसलिए यहाँ पर दिया है जो भगवान का जो नाम है उनको पता चला भगवान के नाम में कितने आनंद है और उसमें कितने शक्ति है भगवान का नाम पर। इसलिए भगवान का नाम से बड़े शांति और बड़े मन को सुकून मिलता है भगवान का नाम पर। इसलिए हम लोग सभी को सब लोग मिलकर के भगवान की नाम लेनी चाहिए। देखो आप बुलगारी शब्द शब्द इससे क्या होता है, ये दुनिया जो चल रहा है ना सब शब्दों के ऊपर चल रहा है। किस में चल रहा है? जैसे हम कहते हैं आपका नाम क्या है? महेश। देखो ये शब्द का क्या रिएक्शन है, अगर हम बोलते हैं महेश बाबू बहुत अच्छे आदमी है, इनका दिल बड़े सरल है, दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, दूसरों का सुखी में सुखी दुख में दुखी रहते हैं, बड़े अच्छे नेचर, खुश हो जाते हैं आदमी, खुश हो जाता है ना, केवल शब्द ही तो और कुछ नहीं। लेकिन अगर थोड़ी ये जीवा से उल्टा उल्टा निकल जाए तो ये महाभारत क्यों हुआ है? केवल द्रौपदी इतनी सी बोल बात बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा, केवल इतनी सी शब्द है और कुछ नहीं। ये सारी ये सब महाभारत का कारण इतना शब्द से पूरी ये महाभारत हो गई इतनी सी शब्द से है। इसलिए जब साधारण शब्द में इतने शक्ति है फिर ठाकुर का नाम में कितने शक्ति नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है बोले मधुरम मधुरम मेतत, भगवान का जो नाम है वो मीठे से भी मीठे है। बोले मंगलम मंगलानम, जगत में जितने मंगल है अगर सबसे कोई मंगल है ना भगवान की नाम। बोले सकल निगम बल्ली सत फल चीत स्वरूपम, कभी जितने वेद पुराण उपनिषद का जो सार है अगर उसको मंथन की जाए तो क्या निकलेगा? मक्खन रूप में भगवान का नाम ही मक्खन रूप में निकलेगा। कहते सकृत भी श्रद्धा हिलयावा, अगर किसी तरह से भगवान का नाम जीवा से निकल जाए क्या होता है? सारे अमंगल को दूर करके जीवन में मंगल मंगल ले आता है भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा शांति है। इसलिए हम सब के सब हाथ में ताली देते हुए भगवान का नाम जप करो और कीर्तन करते समय सब ताली बजानी चाहिए। क्या करना चाहिए? ताली भी बजाएंगे जहाँ जाओ ना, कहीं भी जाओ, अगर प्रभु का कीर्तन होता है ना तो ताली बजा, बोलते ना ताली बजाओ ताली बजाओ। बोले ये सब ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं? कारण है कि इसमें अक्यूप्रेशर, अब नाम सुनेंगे एक अक्यूप्रेशर का नाम सुने होंगे ना, अब रामदेव बाबा का देखना योगा देखते हो कभी कभी, वो कहते ना यहाँ पर दबाव तुम्हारी है डायबिटीज सही हो जाएगी, यहाँ पर दबाव कैंसर सही होगा, यहाँ पर दबाव सर दर्द सही हो जाएगा, बता देना हाथ का। लेकिन जब हम ताली बजाते हैं ना तो ना सारी जितने पैंट्स हैं सारे पैंट से दबती हैं, सारे पैंट से दबता है जब ताली बजाते हैं। इसलिए क्या होता है? ताली बजाने से शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा ताली बजाने पर है। तो देखना थोड़ा ताली बजा लो शरीर में एकदम एनर्जी आ जाती है शरीर। और सबसे जो बड़ा लाभ है ना, जब संसार में हम ज़्यादा ज़्यादा दुखी हो जाते हैं किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, बोले देखो तो भैया एक को बाद में एक दुख आते ही जा रहे हैं तो खत्म नहीं हो रहा है क्या? देखो तो मेरे भाग्य में क्या है, क्या ज्योतिष आपका दुख दूर कर देगा? कर देगा क्या दुख? नहीं, बल्कि बोले ये स्टोन पर नहीं ये स्टोन पर उल्टा उल्टा बोल कर पैसा खींच लेगा, वो तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता है। लेकिन जब भगवान है ना ये दुख दूर कौन कर सकते? ठाकुर कर सकते हैं। इसलिए वो मंगल भवन अमंगल हरि भगवान, ठाकुर दूर कर सकते हैं। इसलिए जब आप कीर्तन बजाओ, जब आप ताली बजाओगे, हम ताली कब बजाते हैं? कहते ना भैया इनकी स्वागत करो, ताली बजा कर इनको स्वागत करो, ताली बजा कर इनको स्वागत करो। ये जो ठाकुर का कीर्तन हो रहे हैं किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो? बोलो भगवान की, भगवान की स्वागत में ताली बजा रहे हो। इसलिए उनका एक नाम ईश्वर है। कहते ईश्वर का मतलब क्या है?
कहते ईश्वर का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो शक्य थे कहते साहेब ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, मरा हुआ व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं वो ईश्वर। इसलिए आप लोग भागवत सुने होंगे, जब भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, गुरु माता ने उनके कौन सा मांगे थे, उनको दक्षिणा रूप में बोले मेरे मरे हुए बेटे को वापस, भगवान ला कर दिए थे, मरे हुए बेटे को भगवान ठाकुर जी वापस लेकर के आए। जब देवकी को पता चला मेरा बेटा मरे हुए बच्चों को लाए, बोले बेटा मेरे भी कंस ने छह छह बच्चों को मार दिया था, मेरे भी देखने की इच्छा ठाकुर, मरे हुए फिर बच्चों को देख रहा है ठाकुर जी, अरे मरे हुए बच्चों को ठाकुर जी फिर लेकर के आए। और दिन को भी ठाकुर जी क्या कर सकते हैं, रात कर सकते हैं, महाभारत देखे हो दिन को रात कर दिया था ना, इसलिए कौन कर सकते हैं, ये ठाकुर जी कर सकते हैं। इसलिए जब भगवान का कीर्तन और ताली बजाओगे ना, अगर तुम्हारी भाग्य रेखा अगर कोई उल्टा पुल्टा थोड़ी इधर उधर हो, अगर भगवान का कीर्तन में ताली बजाओगे कि भाग्य रेखा को ठाकुर जी बदला दे, अगर कोई इधर उधर हो ना भाग्य में, ठाकुर जी तुम्हारी भाग्य रेखा को भी बदल देंगे। इसलिए क्या करो, जब भगवान का कीर्तन हो भगवान का नाम भी बोलो और ठाकुर का ताली भी बजाओ, ठीक है ना, सबके ताली बजाओ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय।
जय जय श्री राधे। हाँ ये थोड़ी सा कथा सुनाएगा, ये जीवन का क्या महत्व है, ये जीवन पा करके भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति करने का क्या जरूरत है। अज्ञान मीरांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। सभी एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। यहाँ पे प्रभु जी का घर है ना, इनके घर है। इन्होंने जब आप सबको इनवाइट किया तब क्या बोला था, क्या कह के यहाँ पे बुलाया है? गुरु बनाए, यहाँ सत्संग होगा इसलिए आप लोग आना, ऐसे कुछ बोला होगा? सत्संग बोला। अभी प्रश्न उठता है यहाँ पे, हम लोग को सत्संग की क्या जरूरत है, यहाँ क्या सोच के आए थे, क्या सत्संग से क्या प्राप्त होता है हम लोग को, क्यों हमें सत्संग की जरूरत है? मतलब संतों का दर्शन करने से कुछ चीज मिलती होगी तभी तो करने आए ना। देखो शास्त्रों में बताया गया है, सत्संग अगर किसी के यहाँ सत्संग हो रहा हो, कभी साधु संत अगर घर में आ गए हैं, ये परम मंगल की बात है, साधारण बात नहीं है। क्योंकि ये नंद बाबा कृष्ण भगवान के जो पिताजी हैं, वे कह रहे हैं कब, जब उनके घर में गर्गाचार्य जी आते हैं तब ये कह रहे हैं कि जो साधु लोग गृहस्थ लोग के घर घर में जाते हैं तो उनको क्या कुछ अभाव है इसीलिए जाते हैं, उनके घर में किसी चीज की कमी है क्या इसीलिए जा रहे हैं? नहीं, क्या होता है वो गृहस्थ लोगों के घर घर में जाकर उनको भगवान की कथा का उपदेश देते हैं। हमें ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस वजह से उसकी सार्थकता बताने के लिए, कैसे हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, वही चीज बतलाने के लिए साधु का घर घर में भ्रमण होता है। साधु के पास किसी चीज का अभाव नहीं होता, क्योंकि इस यहाँ पर देखो हम लोग सत्संग में आए हैं, हम लोग का क्या चाहते हैं सत्संग में, अगर साधु का दर्शन करेंगे सत्संग करेंगे तो उससे जीवन में शांति मिलेगी, सुख प्राप्ति होगा, है ना। हम सब लोग आप सुबह से लेकर शाम तक देखो जो भी हमारी चेष्टाएं होती है किस लिए, ताकि हम खुश रह सके, हम लोग सुख रह सके, है कि नहीं। कोई भी चाहता है दुखी रहना है गुरुद्वारे के पास, कोई भी चाहता है दुखी रहना, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, सब लोग क्या चाहते हैं कि हम सुखी रह सके। लेकिन हाँ, अंतिम में मिलता क्या है हम लोग को, सारी चेष्टा करके देख लो लेकिन दुख कभी बच पाता है? जैसे उदाहरण दिया, जैसे बहुत सारी गाय का ढेर हो उसके अंदर एक बछड़ा आता है ना, जाके अपनी माँ को पकड़ लेता है कि नहीं, ऐसे ही हम कहीं भी छुप क्यों ना ले, लेकिन हम लोग को दुख मिलता है, पट्टी में दुख मिलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से दुख आके हमको ग्रास कर ही लेता है। अभी प्रश्न उठता है कि हमें दुख क्यों मिलता है और हमें सुख क्यों नहीं मिलता, हम चाहते हैं सुख, हम क्यों सुख चाहते हैं? क्योंकि देखो भगवान ने कहा है हम लोग कौन है, हम भगवान की संतान है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भाव सनातन, कि जैसे जीव मेरा अंश है और जैसे मैं सनातन हूँ, वैसे ही जैसे जैसे गुण जैसे पिता होंगे वैसे तो पुत्र होगा, माता पिता के गुण ही तो संतान में आते हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए हम भी वैसे ही हैं। हम भी क्या चाहते हैं, हम कभी मरना नहीं चाहते, जैसे भगवान सब समय प्रेजेंट रहते हैं। भगवान अभी सुना है किसी ने भगवान मरे, भगवान सब समय रहते हैं, ऐसे हमें भी मरने से बड़ा डर लगता है कि नहीं, हम भी मरना नहीं चाहते। भगवान जैसे ज्ञान स्वरूप है, भगवान को हर चीज की नॉलेज है, ऐसे ही हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है, हम भी चाहते हैं सब चीज जाने। हम भी देख लो पढ़ाई किस लिए करते हैं, कोई भी चीज देखते, कोई भी आश्चर्यजनक चीज देखते हैं, हमें क्या होती है उत्सुकता होती है उसको जानने की, क्यों, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है, हमारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी चीजों को जाने, हम भी ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और सच्चित आनंद, आनंद अर्थात हम लोग भी जिस प्रकार भगवान आनंदमय हैं ऐसे हम भी आनंद में रहना चाहते हैं, कोई भी कभी दुखी नहीं रहना चाहता, सब लोग चेष्टा करते हैं किसी लिए सुख पाने के लिए, सब लोग किसलिए चेष्टा करते हैं सुख पाने के लिए। देखो अगर आपको कहा जाए जैसे सुबह देखो माताओं का शेड्यूल देखो, घर में खाना बनाती होंगी, सुबह नाश्ता बनाती हो, नाश्ते में सपोज दलिया बनाया,
दिन में फिर वापस दाल चावल मटर पनीर, शाम में फिर वापस कुछ और। अगर आपको रोज लौकी की सब्जी और रोटी दिया जाए जीवित रह सकते हो? जीवित रह सकते हैं ना, खाने के लिए उसको शरीर को आहार मिल जाएगा, जीवित तो रह सकते हैं। लेकिन फिर बार बार इतनी नई नई डिशेज बनाने की क्या जरूरत है? मन की शांति, खाना खाने से तो शरीर को एनर्जी मिलती है, मन की शांति इसमें कहां से मिलेगी? मन करता है अर्थात मतलब खाना, जैसे सब समय लौकी की सब्जी खा के आपको जीवन तो निकल सकता है लेकिन खाने में थोड़ा टेस्ट होना चाहिए, खाने में थोड़ा टेस्ट होना चाहिए, मजा आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अगर शरीर के ऊपर हम वस्त्र पहनते हैं किस लिए? शरीर को ढकने के लिए। अगर एक ही कलर सब हर रोज पहनो उससे शरीर की प्रोटेक्शन तो हो जाएगी ना, सर्दी से बच जाओगे, लेकिन हम लोग को अच्छे से सजना होता है, अलग अलग कपड़े पहनने होते हैं, किस लिए? ड्रेसिंग में भी मजा आना चाहिए, है कि नहीं? हमारी सारी चेष्टाएं जो होती है किस लिए? मजा, थोड़ा बहुत लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना, सुख होना चाहिए, हमें आनंद से रहना है। लेकिन हम लोग आनंद क्या करते हैं इस जगत में ढूंढते हैं, लेकिन आनंद एक्चुअल में है कहाँ वो चीज हम जानते नहीं, इसीलिए हम लोग को क्या होता है? दुख मिलता है, है कि नहीं? पहले इनिशियली आईफोन आया था, iPhone 3S, उसकी कुछ प्राइस थी 30,000 समथिंग, लेकिन उस आईफोन के बाद में जैसे अपग्रेडेड, जैसे नए नए अपग्रेड्स आए तो उसके बाद में उसकी प्राइस रिड्यूस होती है। जब मैंने शुरू में खरीदा था मुझे बड़ा आनंद हुआ था, मैंने कहा आईफोन देखो अभी लेटेस्ट लॉन्च है, मैंने तभी के तभी खरीद लिया तो इससे बड़ा आनंद मिला था। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद में एप्पल ने क्या किया, नया मॉडल लॉन्च कर दिया और जो मेरे पास जो फोन था उसकी प्राइस एकदम रिड्यूस हो गई। तो हम उसको वो देख के मेरे को बड़ा धक्का लगा, वो देख के बड़ा दुख भी हुआ, बोले यार अभी तो मैंने खरीदा था अभी इसकी प्राइस रिड्यूस भी हो गई है। तो हमारा इस चर्च, हम जो भी आनंद खोजते हैं क्या पर्पस होता है, हम उसको रिलेटिव होता है, हम लोग हर बार किसी चीज से कंपेयर करके चलते हैं, इसलिए हमको क्या होता है? दुख मिलता है। लेकिन अगर हम आनंद ढूंढेंगे कहाँ पर? जहाँ सही वस्तु है, जहाँ पर आनंद एक्चुअल में प्रेजेंट है, अगर वहां हम ढूंढेंगे तो हमको क्या होगा? वो आनंद बढ़ता रहेगा। इस जड़ जगत में जैसे एक एसी आपने खरीदा है, एसी खरीदा है तो उसके साथ में क्या आता है? बुकलेट आती होगी ना, हाउ टू ऑपरेट इट, मैनुअल आता है कि नहीं? मैनुअल देते हैं ना सब लोग। अगर एसी को उस मैनुअल के अकॉर्डिंग चलाओगे तब तो ठीक चलेगा, अपनी मर्जी से कोई भी रिमोट लेकर कोई भी बटन दबा दोगे तो क्या होगा? खराब होगा, चलेगा नहीं, है कि नहीं? ऐसे ही हमको जब भगवान ने बनाया तो उसके साथ में एक मैनुअल दे दिया। मैनुअल क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण इत्यादि, ये क्या है? ये मैनुअल है। इसके अंदर जैसी जैसी बातें कही है अगर हम उस हिसाब से चलते हैं तो हम लोग भी ठीक से चलेंगे। ठीक से चलेंगे मतलब ठीक से ऑपरेट होंगे, मतलब क्या? हम लोग सुखी रहेंगे। लेकिन अगर उसके विपरीत कार्य करेंगे, उसके ऑपोजिट कार्य करेंगे तो क्या होगा? दुख मिलेगा ही, मैल फंक्शनिंग होगी। तो इसीलिए हम लोग के शास्त्र बहुत जरूरी है। आजकल की जनरेशन का क्या हो गया, देखो जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं चीजें उसको मिथ मानते हैं, माइथोलॉजी। लेकिन आप काफी सारे नेचुरल फैक्ट्स की तरह, मतलब काफी सारे फैक्ट्स ऐसे हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताए दिए गए हैं जिनको साइंटिस्ट अब डिस्कवर कर रहे हैं। हम प्राय ये चीज सुनते हैं, देखो आपने सुना होगा हमारे घरों में तुलसी, पीपल इत्यादि ये सारे वृक्षों की पूजा होती है। बड़ी बूढ़ी माताएं करती थी ना, पीपल की परिक्रमा लगाती थी, पीपल की पूजा करती थी, नीम की पूजा करती थी, ये सब किस लिए? हमारे हमारे शास्त्रों में, हमारे घरों में तो पहले से ये सब करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोग अभी डिस्कवर करके क्या बता रहे हैं कि कोई कुछ कुछ प्लांट्स से ऐसे होते हैं जो कि दिन में प्लांट्स साधारण रूप में क्या होता है, बच्चों ये बात समझो, साधारण रूप में क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन रात के समय में जस्ट ऑपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि रात में ऑक्सीजन देते हैं, रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, और उन्हीं सारे पौधों की पूजा हमारे हिंदू शास्त्र में होती है, हमारे संस्कृति में होती है। तो इस पूजा के पीछे भले ही कोई साइंटिफिक फैक्ट है ये हमारे घर वाले भले ही ना बता पाए, आंगन में तुलसी लगी हुई है, बेटा तुलसी की परिक्रमा करो, करो तुलसी की, दिया दिया करो, दिया दिखाया करो, माँ ये बोल तो देती है, लेकिन उसके पीछे क्या फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, वो भले ही उन्हें ना पता हो लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है, ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी बता दी गई है। तुलसी एक ऐसा हर्बल प्लांट है जिसके जिसके आसपास अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज हो तो वो उसे खा लेते हैं, इसीलिए सब लोगों ने आपने देखा होगा ना तुलसी हम कहाँ लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं। तो हमारे शास्त्रों की सारी सारी बातें, काउडंग आप देखना अमेजोन पे, गूगल अमेजोन पे सर्च करके देखना, जो गोबर के कंडे होते हैं काउडंग केक्स, वो आजकल अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग में मिल रहे हैं, भारत में तो फिर भी कम प्राइस है, यूएस अमेजोन यूएस देख लेना उसके ऊपर तो बहुत कॉस्टली मिलता है वो। लेकिन हमारे यहाँ पर गाय की सब समय पूजा की जाती है, गोबर को हमेशा पूज्य माना गया है,
है कि नहीं, गोबर से ही हर चीज की शुद्धि होती है। तो कहने का पर्पस क्या है कि हमारे शास्त्र कोई माइथोलॉजी नहीं है, शास्त्र में जो बातें बताई दी गई है ऐसा नहीं कि किसी ने बस बोल दिया, ऐसा नहीं कि किसी ने बस बोल दिया, वो बहुत ही फैक्ट चीजें हैं और उसको मान के मैनुअल के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग सुखी रह सकते हैं, है कि नहीं। आप देखो हमारी लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक रास्ते में एक भिखारी जा रहा था, वहां से एक सेठ गुजर रहा था, तो उस सेठ ने क्या किया, जब उस भिखारी को देखा उसको उस पर बड़ी दया आ गया, दया आई तो उसने कहा कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, देखने में तो हट्टे खट्टे लगते हो, कुछ काम करके अपना पैसा कमाओ और ठीक से रहो। ये भिखारी बोलता है कि मैंने बहुत चेष्टा करी, मैंने ट्राई किया लेकिन कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, हमेशा फेलियर मिलता है, अल्टीमेटली भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तभी ये बिजनेसमैन उसको बोलता है, देखो मैं तुमको क्या करता हूँ, आज से 50% पार्टनरशिप दूंगा, लेकिन तुमको 50। ये सुन के भिखारी बड़ा चौंक जाता है, बोले लगता है मजे ले रहा है मेरे, लेकिन वो बिजनेसमैन बोलता है नहीं मजे नहीं ले रहा हूं, मैं तुमको 90% ओनरशिप देता हूँ, लेकिन मंथ के एंड में तुम 10% मुझे देना। माता है ध्यान से सुनो, क्या मंथ के एंड में 10% मुझे देना। ये बिजनेसमैन क्या बोलता है, मंथ के एंड में 10% मुझे देना पड़ेगा, बाकी सारा बिजनेस तेरा। मंथ ये सुन के भिखारी बड़ा खुश हो जाता है और बड़े अच्छे से काम करने लगता है। मंथ का एंड जब होता है 10% की डील हुई थी, 90% प्रॉफिट भिखारी का, 10% जो बिजनेस का ओनर है उसका। लेकिन जब मंथ एंड हो जाता है तब ये भिखारी कुछ भी देता नहीं, कुछ भी देने के लिए नहीं आता। बिजनेसमैन सोचता है हो सकता है बिजी होगा, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ 20% आ जाएगा। दूसरे महीने इंतजार करता है, दूसरे महीने में भी नहीं आता। तीसरे महीने इंतजार करता है, तीसरे महीने में भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे जब 6 महीने गुजर जाते हैं, बिजनेसमैन सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मर ही गया होगा, मर गया होगा इसलिए देने नहीं आ रहा, क्या कारण है, जाकर मैं देखूं तो सही। जब वो जाकर वहां पर देखता है, उससे पूछता है, बोले तुम मुझे पहचानते हो, हाँ कहीं पर देखा तो था, कहीं पे देखा तो था। उसको याद दिलाता है, बोले मैं वही हूँ जिसने अपनी बिजनेस की ओनरशिप तुमको दी थी और 10% मुझे देने की डील हुई थी, तुम 6 महीने गुजर गए कुछ 10% देने नहीं आए। वो उसको क्या चाह पलट के जवाब देता है कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ और तुमको 10% किस बात का दूंगा मैं। ये सुन के बिजनेसमैन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, बड़ा उसको शौक लगता है कि ये मैंने अपना इसे मालिक बनाया और ये मुझे 10% भी देने को राजी नहीं है। बताओ ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, चीटर, चीटर ना, धोखेबाज। ये देखो ऐसे धोखेबाज हम लोग भी हैं, ऐसे चीटर्स हम भी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको ये ह्यूमन लाइफ दी, ये शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया ना हमको, भगवान ने सारी सुविधाएं सब चीज हम लोग को अवेलेबल करवा दी है, लेकिन वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10%। ये देखो कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड होता है, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है ना उसको, तो उस सिलेंडर ऑक्सीजन का बिल पे करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन हमको नाक के पास में एकदम ऑक्सीजन रखी हुई, इसका कुछ बिल पे करते हो, कितने लोग बिल पे करते हैं ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या बल्ब जल रहे हैं, एसी कूलर जो भी चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, बिजली का बिल भरते हैं कि नहीं। ये सूर्य चलता है, इसका कोई बिल पे कर रहा है, कितने लोगों ने बिल पे किया है। रात में चंद्रमा की शीतलता मिलती है, रोशनी मिलती है, उसका कोई बिल पे करता है। आप देखो वाटर सप्लाई से, मेन सप्लाई से घर में पानी आता है, पानी का बिल पे करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन पानी जिसने बनाया है उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए कुछ किया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी उसी तरह चीटर है, हम लोग भी वही नमक हराम है। हम लोग को क्या करना है, अपना 10% देना है। 10% क्या देना, 10% पैसा देना है। भगवान चाहते हैं आप 10% टाइम हमको दो, 10% टाइम, आपके भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, सब चीज अवेलेबल करवाई है, लेकिन 10% टाइम उनको दो। क्या करो, अपने जीवन में आध्यात्म को जोड़ो, इसीलिए जीवन में, क्योंकि जब तक हम किसी आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिल सकती। जो मैन्युफैक्चरर, जैसे बताया था ना, मैन्युफैक्चरर जो है भगवान, उन्होंने ही कह दिया ये संसार है दुखालयम और शाश्वतम, अर्थात जैसे पुस्तकालय बोलते हैं हम लोग ना, पुस्तकालय में क्या मिलेगी पुस्तक, चिकित्सालय में क्या मिलेगी, वहां चिकित्सा होगी, डॉक्टर्स मिलेंगे। ऐसे ही दुखालयम अगर कहा है तो ये संसार में दुख ही मिलेगा, इस संसार में दुख ही मिलेगा। हम लोग को क्या होता है, दुख अगर मिल रहा है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुख हटा दे, एक्चुअल में सुख क्या है हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग को बस दुख नहीं होना ही हम सुख मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सुख है क्या, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने जीवन में थोड़ा सा आध्यात्म को जोड़ने से ही हम सुखी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। यही बोल के मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वाणी सकल को गुरु के पास में जो है।
हाँ अभी ये जो बच्चा कथा सुना रहे थे ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका तनख्वाह 70-80 हजार रुपया था, नोएडा में काम करता था। लेकिन इन्होंने इसलिए बोले दो तरह का आनंद है, एक स्पिरिचुअल आनंद है और एक मेटेरियल आनंद है। जो मेटेरियल जो दुनिया की जो आनंद है ना, ये हर समय देखना घटती रहती है। संसार का कोई भी आनंद कभी बढ़ती हुई कभी नहीं देखोगे। जब शादी हुई क्या लगता था, बड़ा आनंद लगता था, कहते एक चंद्रमा तो आकाश में, एक चंद्रमा हमारे पास में। पहले चंद्रमुखी लगती थी, वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में सूरजमुखी बन जाती है, फिर वही सूरजमुखी फिर ज्वालामुखी बनकर खड़ी होती है, फिर तो लड़ाई झगड़ा है कि नहीं, ये सही ना झूठ है। बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया, बढ़िया से क्या सिनेमा, एक बार देख लिया बढ़िया, दो बार ठीक है, तीसरा बार ठीक है, चौथा बार बैठोगे, बैठ ही जाओगे ना, पंचवा बार वहां तक जा भी नहीं सकते। वहां पर बढ़िया से बढ़िया कोई खाना है, बढ़िया से बढ़िया कोई खाना है, हैं जैसे रसगुल्ला कैसे है, बहुत बढ़िया, दो रसगुल्ला हाँ ठीक है, तीसरा ठीक है, और नहीं अगर चौथा खा लिया ना, पंचवा में उल्टी कर दो, कर दो कि नहीं। ये संसार में बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा के लिए पागल, फिर शादी नहीं शादी, सबके घर में स्त्री सबके घर में बहू नुपुर बंद कर चलती है, लेकिन हमारे घर में कोई है नहीं बहू नहीं, घर नहीं सब घर में बहू, लेकिन जो घर में बहू आ जाती है कहते पता नहीं कैसे हाय रे कैसे बहू दे दिया तुमने घर में, हैं कैसे बहू, पता नहीं बेटा का कान में क्या मंत्र दिया, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, बेटा का बुद्धि खराब। तुम घर में कोई भी चीज तुम देखना, संसार का कोई भी आनंद कभी बढ़ते हुए कभी नहीं देखोगे, हर समय देखोगे घटते हुए, हर समय आनंद संसार की घटती, इसलिए इसको कहते हैं ये मेटेरियल आनंद है, ये कभी नहीं बढ़ेगी, ये हर समय घटेगी, हैं घटेगी। लेकिन भक्ति का आनंद देखो, जैसे घर में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता होगा, कोई दुर्गा स्तुति भगवान की कोई भक्ति करते होगे, लेकिन एक ही स्तुति को रोज रोज पढ़ती कि नहीं, पढ़ती कि नहीं, हनुमान चालीसा रोज रोज पढ़ रहे कि नहीं, लेकिन उसमें विरक्ति लगती है कभी, ठाकुर को दर्शन घर में जैसे ठाकुर जी गोपाल जी घर में उसको रोज दर्शन करते हो, सवेरे देखते हो, दोपहर देखते हो, फिर शाम को देखते हो, लेकिन कभी ठाकुर जी विरक्ति कभी लगते हैं, ठाकुर जी कभी विरक्ति नहीं लगती है, जब जब ठाकुर को देखो ना तब तक ठाकुर जी हमें नई 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 दिखते, ठाकुर कभी पुरानी ठाकुर दिखते नहीं। इसलिए ये जो मेटेरियल आनंद है घटती, लेकिन जो भक्ति का जो आनंद है वो कभी घटेगी नहीं, वो हर समय बढ़ती है। हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो, हाथ उठाओ तो, हाँ बताओ बताओ, दिन भर हनुमान जी क्या करते रहते हैं, हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं ना, कहते ना रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, यही नाम करते ना दिन भर रघुपति राम, उनको कोई विरक्ति लगती है रघुपति राम से, नहीं करती है ना, भगवान की चरण नीचे देखना हनुमान जी हाथ जोड़ कर हनुमान जी बैठे हुए होते हैं, ठाकुर जी हर समय ठाकुर को सेवा करते हैं, ठाकुर जी के नाम लेते हैं, हैं ठाकुर जी की। इसलिए जो स्पिरिचुअल आनंद है ये आत्मा आनंद है, ये आनंद कभी घटेगी नहीं, ये आनंद हर समय बढ़ती रहेगी आनंद। लेकिन हम क्या करते हैं जानते, उदाहरण देते हैं, जैसे कि पिंजरा है, हैं पिंजरा में एक तोता है, अगर तुम तोते को खाना मत दो, दिन भर ये पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, बताओ ये पिंजर ये तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, बोलो नहीं। हम भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर को हम ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, इसका साबुन लगाते हैं, शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करते हैं, शरीर को चबन प्रास खाते हैं, इसको जीव में ले जाते हैं शरीर को, लेकिन इसके अंदर में जो तोता है ना, ये तोता के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, जो अंदर में जो तोता बैठा है ना, ये तोता कौन है, परमात्मा रूप में जो ठाकुर जी जो बैठे हुए अंदर में, उसको प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे, केवल ये पिंजरा को पेंटिंग करो, ब्यूटी पार्लर ले जाओ, जीव में ले जाओ, इसको चबनप्राश खिलाओ, इसको घुमाओ, उसको फिराओ, इसमें ही लगे हुए, लेकिन जो तोता जो बैठा हुआ ना, ठीक जो तोता जो बैठा हुआ, तोता के प्रति हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये तोता की आहार किया, शरीर के लिए तो हम रोटी सब्जी देते हैं, लेकिन ये तोता की आहार किया, इसका आहार है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, उनका प्रेम है, इसको अगर ये चीज उसको खिलाओगे ना, ये आत्मा शांति रहेगी, ये आत्मा शांति रहेगी। इसलिए क्या करो, ये शरीर को खिलाने का जरूरत है, शरीर है, लेकिन किसके लिए जरूरत है, चूते उसका अंदर में ये तोता बैठा हुआ है, और तोता अगर उड़ जाए तो फिर शरीर को स्नेह करेगा कोई, जिसको स्नान करके छूते थे ना, उसको छू करके स्नान करना पड़ेगा, 13 दिन के लिए अपवित्र रहोगे,
वो तोता अगर अंदर से उड़ जाएगी तो 13 दिन के लिए अपवित्र रहोगे, उसके शरीर को छूने पर स्नान करना पड़ेगा। इसलिए उसका जो आहार किया है भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम, ठीक है ना, उसको भी थोड़ी बहुत खिलाया करो, उसको भी थोड़ी बहुत उसको भी खिलाया करो, भगवान की भक्ति उसको भी दिया करो, ठीक है ना। भगवान का नाम एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान तिमि रामदास्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों को जैसे पता चला कि हम लोग पल पल क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक सुख को ढूंढ रहे हैं, तो अलग अलग चीजों में हम ढूंढ रहे हैं ताकि इसमें हमें वो सुख जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद इसमें हो, इसमें मिल जाए। पर हमारे गुरुवर्ग की कथा सुनाते हैं, छोटी सी बात सुनाते हैं कि वो है कहाँ पे। एक समय राजा के महल में जो रानी थी, रानी को राजा ने गिफ्ट दिया था, एक सुंदर सा नेकलेस हीरो की। अब हीरा का नेकलेस है, उसको इतना प्यारा था, पर वो कहीं पे गई हुई थी और उसका जो नेकलेस था वो कहीं खो गया। अब खो गया तो बड़ा दुखी होकर के राजा को आकर के बोली कि देखो मेरा जो आपने जो दिया था वो सबसे बड़ा मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो मेरे से कहीं खो गया है। अब राजा रानी के सुख के लिए सारे काम करता था, उसने देखा कि अगर रानी दुखी है तो फिर क्या फायदा, तो ले लो एक कोई और नया। बोले नहीं नहीं मेरे को तो वही वाला चाहिए बस। तो राजा ने पूरे राज्य में, क्योंकि राजा राजा का ही राज्य है, उसने पूरे राज्य में जुलूरा पिटवाया। बोला कि मेरे जो रानी की जो हीरो का जो नेकलेस जो खो चुका है उसको जो भी ला करके दे देगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब इसको सुन करके सारे गांव वाले लग गए, जो राजमहल के अंदर जो राजकार का जो वो थे, पहरादार थे, जो कर्मचारी थे, वे सब अपने अपने जगह लग गए, बाहर में बाहर वाले लग गए। अब इतने में हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, एक नाला था, उस नाला के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ा जो हीरो का जो वो हार है ना वही वाला चमक रहा है। तो उसने आकर के सबको बुलाया, अरे देखो देखो वहां पे जो रानी का हार वहीं पे गिरा पड़ा। उसने छलांग मार दिया, देखते देखते ही किसमें, उस नाले के अंदर। और फिर देखते देखते सारे लोग जितने भी लोग थे वे सब धीरे धीरे छलांग मारने लगे उस नाले के अंदर, और नाले के अंदर क्या करने लगे, उसको ढूंढने लगे। कुछ समय के लिए तो वो जो हार था वो दिख जाता, पर थोड़े समय के लिए, और जैसे वे छलांग मारते और वो कहीं डूब जाता, पता नहीं चलता, फिर दोबारा फिर उठ के आता, फिर डूब जाता। तो ऐसे करते करते सारे जितने भी उस स्थानीय लोग थे वे सब लोग वहीं पे डूब गए, क्योंकि उनको भी इनाम लेना है। इतने में देखते देखते वहीं से राजा गुजरता हुआ जाना था, और राजा ने देखा कि अरे यहाँ पे तो जो है बहुत बड़ी मतलब इतना भीड़ है और सारे लोग वहां पे छलांग मारे, क्या देखूं मैं जरा। तो उस उत्साह को अब जैसे उसको उत्सुकता प्राप्त हुई कि यहाँ पे कुछ होगा जरूर, पूछना चाहिए। लोग आकर के बोले कि राजा ये आपकी रानी का हार यहाँ पे है, सब लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, कुछ समय के लिए तो दिखता है फिर डूब जाता है वो। तो राजा ने बोला अच्छा मेरी रानी का है, तो उसने अब आगे पीछे कुछ नहीं चिंता किया, राजा भी उसमें छलांग मार दिया और सब कीचड़ों में नाली में मतलब पड़ करके सब जो है गंदगी में पड़ करके वहीं पे वो ढूंढने लग गए। इतने में बार बार जब राजा वो करके हताश हुआ निराश हुआ, इतने में वो थोड़ा सा ऊपर को आकर के हताश होकर के आके बैठा। इतने में एक संत थे, एक संत वहीं पे आए और राजा की कान को ऐसे पकड़कर एंट करके उल्टा घुमा दिया, और घुमा दिया तो राजा ऐसे कान पकड़ के जैसे उस तरफ देखा, देखा कि पेड़ के एक डाली पे जो क्या है उसका जो हार है ना बंदर ने ला करके वहीं पे रख रखा है। सूर्य अपोजिट साइड से सूर्य का जब किरण उसके ऊपर पड़ता है और उसका परछाई जो है पानी के ऊपर पड़ रहा है, और इसमें क्या है वो कुछ समय के लिए दिखता है और फिर क्या होता है जैसे कोई छलांग मार देता है तो पानी तो हिल जाता है ना, हिल जाने पे वो परछाई भी हिल जाती है तो वो गायब। अब बार बार उसमें लोग डूब रहे हैं, जैसे पानी स्थिर हो जाए फिर दोबारा दिख जाता है।
इसीलिए राजा को समझ में आ गया कि जो जो वास्तविक जो हार है वो कहाँ पे है, नाली के अंदर नहीं अपितु पीछे पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। पता है ये सारे जो हमारे जो आनंद के हम जो ढूंढ रहे हैं ना, हमारी भी स्थिति यही है, ढूंढ रहे हैं इस संसार की नाली के अंदर। और जो वो सुख है वो कहाँ पे है, उस डाली मतलब भगवान की परम धाम है। और भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जो ये संसार है ना, इसका जो जड़ है वो उल्टा है, मतलब ऊपर की तरफ है, और वो जड़ ही मैं हूँ, मेरे से ही संसार रूपी वृक्ष निकला है। परंतु वृक्ष का जड़ साधारण रूप में कहाँ पे होता है, उल्टा नीचे ही होता है ना, जमीन के नीचे। पर ये जो जो वृक्ष है इसका जड़ है मेरे से, तो मेरे से ही ये वृक्ष निकला है। इसलिए यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, ये सारा जड़ जो है मेरे पास है। इसलिए तुम्हें अगर प्राप्त करना है वो सुख कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर, यानी कि मेरे मेरे चरण में है। इसीलिए एक समय वही राजा गया हुआ था कहीं बाहर, उसका जो रानी था वो रानी एक युवक के प्रति आसक्त हो गई। अब वो युवक को अपने घर बुला लिया, उसके साथ मतलब उसने अपना भोग के लिए उसने अपने घर में बुला ली। अब बुलाने पर क्या हुआ कि राजा तो बड़ा रानी को प्यार तो करता था, परंतु बड़ा सकीला ही था, और जैसे उसको पता ना चले इसीलिए रानी ने उसको ला करके अपने कमरे में ले आई। इतने में क्या होता है, जैसे उसको पता चला कि जो राजा है वो दोबारा आने लगा है, इसने रानी ने जल्दी जल्दी फटाफट से उस जो व्यक्ति को, उस जो युवक को तुरंत लेकर के नाली के गट्टर के अंदर उसमें उसको छुपा दिया। नाली के गट्टर के अंदर भैया कौन ढूंढेगा, इसलिए राजा को पता भी नहीं चलेगा। इतने में जो राजा है, राजा आया और कई घंटे तक, लगभग 7-8 घंटा तक वो वही मतलब कमरे में बैठा रहा, और उतना समय वो जो गट्टर के अंदर कौन पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति पड़ा हुआ था। वो व्यक्ति किस लिए आया था, रानी ने उसको इशारा किया था, वो सुख भोगने के लिए आया था, और भोग करके क्या हुआ, उस गटर में पड़ा, सुख तो मिला नहीं, उल्टा उसको दुख और मिला। जब राजा वापस चला गया, वो व्यक्ति ने बड़े धिक्कार करते हुए अपने को जैसे भी स्नान नान करके वो बाहर निकला और चला गया। किसी दूसरे दिन जब वो वापस जा रहा था ना, दोबारा वो जो रानी है उसको बुलाने लगी। अब बताओ आप, क्या वो युवक दोबारा उस रानी के पास जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। पर हम वही कर रहे हैं, बार बार हमें सुख के कामना को लेकर के हम सुख ढूंढने के लिए साधन करते हैं, हमें मिलता दुख है, परंतु बार बार हम दुख पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो दुख वो सुख के ऊपर एक है प्रेम, वो भगवान के धाम के, वो नित्य वस्तु है जिसको पाने के बाद पाने की कोई इच्छा नहीं रह जाती। ऐसा कोशिश करो जिसको पाने के बाद कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती। हम अगर 5S का आईफोन ले रहे हैं तो हमें जैसे ऐसा हो जाए कि हम 6S के प्रति देखे ही ना, पर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। ये जगत का नियम है, अभी गुरु जी बता रहे थे ना, क्योंकि इस जगत में हर सुख घटने वाला है, और उस जगत में जो सुख है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे एक रसगुल्ला खाने के बाद दूसरे रसगुल्ले में टेस्ट कम होता है, वहां पे क्या है, बढ़ जाता है। इसलिए वहां के लोग क्या करते हैं, एक खाने के बाद 10 और खाते हैं और खाते हैं और खाते 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 बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं। ये है वहां की स्थिति। इसलिए उस जगत से एक रसगुल्ला आया है इस जगत में, और जिसको खाने के बाद हमारी तृप्ति लालसा और बढ़ेगी, वो क्या है, वो भगवान का नाम है। हमारे गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उसमें आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अगर आप इस कथा को, छोटी सी कथा है, स्टोरी है, ध्यान से सुनोगे और याद रख लिया, अगर जीवन में कभी निराशा हताशा हुई तो बिल्कुल इस बात को याद करना, देखना आपका जीवन में कभी भी निराशा नहीं छाएगा। कथा इस प्रकार की, एक राजा की 4 रानियां थी, और 4 रानियों के साथ राजा का बड़ा संबंध था। पहली रानी जो भी मांगती राजा उसको तुरंत ला करके देता। रानी बोलती कि राजा मेरे को यहाँ ले जा, ले जाता। रानी बोलती मेरे को ये खिला दे, राजा खिला देता। कपड़ा ले आता, सब कुछ जो भी वो बोलती ना, वो सारा राजा जो है काम कर लेता। ठीक। दूसरी रानी दिखने में बड़ी सुंदर थी, दूसरी रानी के पास बहुत सुंदर रूप था। तो राजा कहीं पे भी जाता ना, उसको अपने बगल में बिठा करके हमेशा दिखाने के लिए ले जाता, क्योंकि सुंदर थी, इसीलिए राजा उसको कहीं पे जाता तो ले जाता। तीसरी रानी बड़ी सुंदर, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोली बोलती, और इससे रीझ करके राजा वो भी जो मांगती, जो भी कहता,
उस सारा राजा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता। चौथी रानी ऐसी है कि जब से राजा के साथ उसके ब्याह हुआ उसके बाद से कोई भी संबंध राजा का उस रानी के प्रति नहीं रही। कभी ये तक नहीं पूछा कि तू जीवी है या मर गई, खाने के लिए कुछ है, पहनने के लिए कुछ है, तेरे कैसे मतलब घर बार चल रहा है, कभी पूछा तक भी नहीं राजा। चौथी रानी के साथ किसी प्रकार कोई संबंध नहीं। 20-25 साल हो गया ऐसे देखते देखते एक समय आया राजा के मृत्यु का समय। राजा ने देखा चार चार रानियां हैं, पूछूं तो जरा मेरे साथ कौन चलेगा। अब राजा है पहली रानी के पास आए, पहली रानी कौन बताओ? जिसको खिलाते से पिलाते थे, जो भी मांगती वो एकदम से राजा तैयार हो जाता देने के लिए। यहाँ ले जाओ, वहाँ वो ले जाओ, मेरे को ये खिला दो, मेरे के लिए ये कपड़ा ले आओ, है ना, सारे जो जो भी वो बोलती एकदम से वो तैयार हो जाता। अब उसको जब वो पूछा राजा कि मेरा तो अंतिम समय है, मृत्यु समय सन्निकट है, मेरे साथ चलोगे तुम? तो वो रानी कहती कि देख राजा, मेरे कर्तव्य है कि तेरा सेवा करना, पर हाँ मैं चल तो सकती हूँ, केवल शमशान घाट तक चल सकती हूँ। बोले उसके आगे? बोले नहीं। बोले शमशान घाट तक? ये शमशान घाट तक तो कोई भी चला जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि मृत्यु के बाद मैं जहाँ पे जाऊँ वहां तक जा सकूँ? नहीं, वहां तक नहीं, मेरी मर्यादा वहीं तक है। ठीक। दूसरी रानी कौन थी? जो सबसे सुंदर थी, जहाँ कहीं पे भी राजा जाता वहीं पे ले जाता। अब दूसरी रानी के पास राजा आया, राजा पूछा कि रानी मेरे साथ चलोगी? तो रानी कहती कि देख राजा, मैं राह देख रही हूँ कि कब तुम मरेगा और मैं तुरंत झट दूसरों की हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो वैसे भी सुंदर हूँ और तुमने वैसे भी मेरे को सब जगह दिखा रखा है, इसलिए मैं दूसरे को हो जाने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं जा सकती झट। तीसरी रानी जो कि बहुत सुंदर मीठी मीठी बोली बोली, राजा आया कि रानी तुम चलोगी? तो रानी कहती है कि देख राजा, हम तेरे साथ केवल दरवाजे की दहरी तक चल सकते हैं, चौखट तक चल सकते हैं, कहोगे थोड़े आगे और रोड तक छोड़ आएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। तो पूछने राजा तो बड़ा विस्मय हो गया। अब देखा मेरे साथ ही क्या होने लगा, जिसको मैं अपना सब कुछ सर्वस्व मान करके तीनों रानियों के लिए मैंने अलग अलग क्षेत्र के सारे मतलब वो प्रेम दे चुका था, वे तो कभी मेरे साथ दिया ही नहीं, और जो चौथी रानी जिसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, अब किस मुंह लेकर के मैं उसके पास अंतिम समय में जाऊं, क्या वो चल सकती है? खैर कोई बात नहीं, है तो रानी जाकर के पूछ लेने में क्या दिक्कत है। बड़े हिम्मत मार करके रानी के पास पहुंचा तो रानी को बोला। अब इतने में रानी तो बहुत फटकार लगाई कि राजा तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, मेरे साथ तुमने कभी साथ ही नहीं दिया तुमने मेरे कभी, है ना राजा, तो किस बात की मैं रानी हूं, तुमने मेरे को पूछा तक भी नहीं कि कभी जिया भी है मर गया, जब से तू तो मेरे को कभी पूछा नहीं, आज तक तेरे पास है मरण का समय आया, तुम मेरे पास भागा भागा हुआ है कि मैं तेरे साथ चलूंगी? नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ मन से और आत्मा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तू मेरा पति है, मैं तेरे साथ जाना भी मेरा कर्तव्य है और मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी, पर एक शर्त पे कि आज से तेरे जो ध्यान है ना मेरे प्रति देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए तुमने पूरा जीवन दिया वो तो गए नहीं ना, अब जो जाने के लिए तैयार है उसके लिए तो समय देना पड़ेगा तुम्हें। तो राजा मान जाता है। इस बात की शिक्षा है, ये सारी जो कथा है ना, ये सारा हमारा जीवन का अपना ही है। ये राजा जो है हमारी आत्मा है, आत्मा राजा है, उसकी जो पहली रानी है जिसके हर मांग को राजा पूरा करता था, वो कौन है? वो है हमारा शरीर, जो कि शमशान घाट तक जाती है। शमशान घाट तक हमारा शरीर ही हमारे साथ है। ये शरीर जो हम कहते हैं ना, ये शरीर को हम क्या क्या नहीं दिया, सुबह से सांझ तक, सांझ से रात तक, रात से फिर दोबारा सुबह तक, हम क्या कर रहे हैं शरीर को, क्या करते हैं ड्रेसिंग, पेंटिंग, डेकोरेशन करने में, सब इसी में ही लगा हुआ है। और इतना तो बढ़ चुका है इस शरीर का कीमत, देखो कितना नए कपड़े हमने पहना लिए होंगे, कितना हमने इसको खिला दिया होगा, जो जो जब भी रसमलाई हो, कोई मतलब जो भी इच्छा करे, हम सब कुछ इस शरीर को देने के लिए तैयार हुए, कितना खर्चा कर लिया होगा हम अपने शरीर के प्रति। अब बताओ इस सारा जो खर्चा है, पता है इस खर्चा का क्या परिणाम है? इतना करोड़ों रुपए हमारे शरीर में जो लगा हुआ है ना, ये तो या तो आग के लिए है, या तो कुत्ते बिल्लियों के लिए है, जो गिदड़ वगैरह खा लेंगे अगर फेंक दोगे तो उसके लिए है, या तो मिट्टी में डाल दोगे तो ये कृमि या जो छोटे कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, वे खा लेंगे, या तो अगर पानी में फेंक दोगे तो मगरमच्छ और मछलियां आदि खा जाएंगे। तो हमारी करोड़ों रुपए सब उन्हीं के लिए है। दूसरी पत्नी कौन है? जो देखने में बड़ी सुंदर है,
और जिसको हम हमेशा दिखाते हैं वो है हमारा ऐश्वर्य, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा पैसा। इसलिए कहते ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए रुपया को हम क्या करते हैं, हमेशा दिखाते हैं। हमारे पास अगर पैसा है तो हम अच्छा गाड़ी खरीदते हैं, हमारे पास पैसा है या तो हम मकान ले लेते हैं, या तो हम किसी प्रतिष्ठित समाज के साथ जुड़ करके बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए पैसा दान करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि पैसा हमारा सुंदर है, तभी तो हम दूसरों को दिखाते हैं। पर इसका एक गुण क्या है कि जिस समय हम अपने शरीर को छोड़ करके जाएंगे, मतलब राजा जब जाएगा तब यही संपत्ति कहा जाएगा कि संपत्ति उन्हीं का है, नहीं है क्या? सरकार मान लेगी क्या? लीगल डिपार्टमेंट आकर के कहेंगे कि वो तो मृत हो गए, चलो उन्हीं का था, उन्हीं के ही है? नहीं। अगर कोई बारिश नहीं होगा तो तुरंत वो सरकार का हो जाएगा। अगर किसी का नहीं है उसका बारिश, बेटा नहीं है या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो तुरंत किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए जो सास मरी पड़ी है ना, दोनों हाथ में एक हाथ में कंगन है, दोनों तरफ दोनों बहू लड़ती है कि कंगन मेरा ही, कंगन मेरा ही, कंगन मेरा है। होता या नहीं होता? क्योंकि वो सास चली गई, सास रहते रहते तो कोई ऐसा सीना जप्ट नहीं किया, सास चले जाने के बाद छठ दूसरों की, ये रानी हमारी झठ दूसरों की हो जाती है। तीसरी रानी जो मीठे मीठी मीठी बातें करती थी वो कौन है? हमारी परिवार परिजन वर्ग, सगे संबंधी, बंधु परिजन वर्ग, पड़ोस में है आपको बड़े बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे उनको कुछ लाभ मिल रहा होगा। जरूर देखना, जिसके वजह से आपका कोई लाभ नहीं होता होगा आपको वो देखना ही नहीं चाहता होगा। अरे भाई उससे क्या मतलब है? दस लोग, दस में से दस लोग इस संसार में ऐसे ही हैं। अगर हमारे बेटा हमारे बेटी हमारे खूब ख्याल रख रहे हैं तो मेवा की आशा से, सेवा कर रहे हैं तो मेवा की आशा से, हमारे बेटा बेटी परिजन पड़ोस जो भी है ये सब कौन है? कोई जाने वाले नहीं है, बस केवल मीठी मीठी बातें करते हैं और उन मीठी मीठी बातों को रीच करके हम उनके सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। होता या नहीं? ये सारे वास्तविक बात है, क्योंकि ये हमारे अब की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। अब बात है चौथी रानी, ये तो जाते नहीं, कहाँ तक जाती है ये वाली रानी जो परिवार परिजन वर्ग केवल दरवाजे तक जाती है, या थोड़ी आगे जाती है या शमशान तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। अब चौथी रानी जो है, जिसको हमने हर समय निगलेक्ट कर रखा है, कभी भी उसके लिए हमने कभी तजुर्बा नहीं दिया, वो है चौथी रानी। कौन है जो हमारे साथ जाने वाले? वो है भगवत नाम, भगवान के नाम है। भगवान के नाम हमेशा अंत में जाता है, नहीं जाता बताओ? जब अंतिम समय में कंधों पे चार, कंधों पे एक सब जाता है, उस समय क्या कहते हुए ले जाते हैं उसको? राम नाम सत्य है ना। ये तो नहीं कहते है कि भाई अमुक चटर्जी सत्य है, वो रामलाल जी सत्य है, ये तो नहीं कहते। राम के नाम ही सत्य है, क्योंकि यही साथ में जा रहा है। और जो सत्य है ना वो नित्य है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा सत्य नहीं है। बचपन में जो शरीर था अभी वो शरीर रहा क्या? हमारे माता अगर आज खड़ी हो जाएगी, 20 साल बाद हमें देखे नहीं है और एकदम से हम घर पे आ गए, 20 साल पहले माँ ने छोटा बच्चा को देख रखा था, 20 साल बाद आ गए और एकदम आकर के झगड़ा कर दो उस घर में, बोलेगा आज अगर मेरा बेटा होता ना तेरा मुंह तोड़ देता, कहें या नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि ये शरीर के प्रति उनके संबंध है, थोड़ी आत्मा के प्रति है। शरीर छूटा, धर्म वहीं पे, शरीर का धर्म वहीं पे छूट जाए। इसलिए हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा, तू इतना विष्णु विष्णु करता है कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ क्या? बोले हाँ, आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो, आपके प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, वो मेरे पितृ धर्म है, वो मेरा धर्म है, परंतु परम धर्म नहीं है। परम धर्म जो है मेरे बाप के भी बाप कौन है? जो है उसके लिए करना मेरा कर्तव्य है, वो भी मेरा परम धर्म है। इसलिए हमारे ये बेटा, बच्चे, पैसा और अपना शरीर सब कुछ यही छूट जाएगा। केवल हमारे साथ जाने वाला जो चीजें वो भगवान का नाम और भगवान की भक्ति। जितने एकादशी किया, जोर से हाथ उठा, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो आ रहे हैं क्या? हाँ हरे कृष्णा, हाँ हमारे एक प्रभु जी आ रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बैठो, कहाँ जा रहे हो? हमारे मंदिर में एक प्रभु जी आ रहे हैं जो बच्चों को सेमिनार देते हैं, जो यंग बच्चे हैं उनको अच्छी अच्छी सेमिनार देते हैं, भगवान को ऊपर में उनको अच्छी अच्छी बात बताते हैं। शायद वो प्रभु जी आ रहे हैं, हम उनको बुलाए
आप लोगों को कथा सुनाएंगे, आ रहे हैं? इसलिए जो जो बच्चे इधर होंगे ना, ये आपके बेटा था उनको बच्चों को बुला दो, वो आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ कथा सुनाएंगे। हाँ देखो, आप लोगों ने चार लोगों की कथा सुनी हो, सुने कि नहीं? आप लोगों ने सुन लिया कि नहीं, समझ गए कि नहीं? बताओ लास्ट में वो कौन थी? भक्ति थी। और लास्ट में वही जाने के लिए, लास्ट वही जाने के लिए तैयारी हुई, और कोई भी उनको साथ में जाने के लिए कोई तैयारी नहीं हुई। इसलिए हमको विशेष रूप में किसको ध्यान देनी चाहिए? किसको ध्यान देनी चाहिए? भगवान की भक्ति को ध्यान देनी चाहिए, भगवान की नाम करनी चाहिए, ठीक है ना? एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सब सवेरे उठ करके ठाकुर जी के लिए थोड़ी समय देना, ठाकुर जी को थोड़ा नाम जप करना। करते हो प्रभु का नाम? कौन कौन करते हो? सब भक्त हैं। हाँ, सबके सब सवेरे उठ करके, अभी वो प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना, क्या कथा सुना रहे थे? ठाकुर जी बोले मेरे को 10% देना। ठाकुर कहते हैं मेरे को 10% मतलब क्या? ठाकुर जी पैसा हमसे नहीं मांगते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं हमें थोड़ी सी समय दो। सवेरे उठ कर भगवान का नाम जप करो, थोड़ी सी रामायण पढ़ो, नहीं तो भगवान की थोड़ी सी गीता पाठ करो, ठीक है ना? सबके सब भजन करना, भगवान की भक्ति से ही जीवन में हम सुखी रहेंगे। तभी जब जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की नाम जप करेंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तुम्हारी बेटी तुम्हारी है? ओ भैया कहाँ गया? कहाँ कर रहे, क्या कर रहे? उसको बुला, फटाफट बुला दो। जब एक मिनट कीर्तन कर लो। जो अपना बच्चे और थे सो कहाँ गए? तुम बच्चों के लिए इनको बुलाया है, सो बच्चों लोगों के लिए बुलाया। उसको बच्चे सब कहाँ गए? उसके सब और बच्चे, और बच्चे थे ना कुछ बच्चे, सो गए कहाँ कहाँ? तू कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? बैठो सबके सब बैठो। हाँ एक मिनट कीर्तन कर लो, सब ताली बजाते हुए ठाकुर का थोड़ा नाम कर दो। बोले गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।
के आनंद की जय जय श्री राधे। हमारे प्रभु जी आपको थोड़ा कथा सुनाएंगे। ये जो प्रभु जी है ये रहने वाले किधर के? इंदौर के, और नोएडा में नौकरी करते हैं। उनका तनख्वाह भी 1 लाख रुपया करके तनख्वाह है। अभी भी यही से बैठे बैठ कर काम, कंप्यूटर में भी लगता है ना, इसलिए कंप्यूटर में काम कर रहे थे, जिनको यहाँ बुला दिया। ये स्कूल में बच्चों का, जो स्कूल के जो कॉलेज बच्चों का, ये उनका सेमिनार देते हैं, क्लास देते हैं, जीवन में शांति सुख कैसे मिले, भगवान है क्या नहीं है, ठाकुर जी हम कौन है, कि जगत में किस लिए आए हैं, ये सब विषय में बच्चों को क्लास देते हैं। आपको भी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंदों में मेरा आनंद को दंडवत प्रणाम, तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप लोग सब, कुछ लोग नए हैं इसके अंदर, कौन पहली बार आकर कथा में सुन रहे हैं, पहली बार यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक ठीक आप लोग सब कैसा लगा यहाँ प्रोग्राम हुआ? अच्छा लगा। हृदय को अच्छा लगा ना? देखो हमारा जन्म कहाँ हुआ है कौन बताएगा? हमारा जन्म कौन सी जमीन पे, कौन सी भूमि पे हमारा जन्म हुआ है? भारत में। भारत में जन्म हुआ है? भारत, भारत, भारत माने जो ज्ञान, जो शांति, जो आनंद में हमेशा ओतप्रोत जो देश होता है उसको क्या कहते हैं? भारत। हमारा जन्म ऐसी ऐसे देश के अंदर हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से होने लगी है आजकल स्कूल में कि हम हमारी संस्कृति से दूर हैं, बहुत दूर चले गए। क्योंकि अभी जैसे धीरे धीरे जॉइंट फैमिली टूट करके कौन सी फैमिलीज बनती जा रही है? न्यूक्लियर फैमिलीज, सब छोटी छोटी फैमिलीज होती जा रही है। माता पिता दोनों बिजी रहते हैं, अब एक ही माँ है, बच्चों को भी वही संभालेगी, सब कुछ वो करेगी, तो उसके पास में टाइम ही नहीं है। और पिता जो है उनको वो कमाएंगे, उनको उससे फुर्सत नहीं। तो जो बच्चों को वैल्यूज देनी है, जो संस्कार देना है, वो कौन देगा? प्रश्न हो गया ना इतना बड़ा। इस कारण से क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति से बहुत दूर चले गए। रही बात स्कूलों की, तो वहां जाकर के जितने उल्टे काम बच्चे वहीं जाकर के सीखते हैं। सीखते कि नहीं सीखते? घर में कोई गलत काम सीखता है क्या? कहां जाके सीखेंगे? स्कूल में जाकर के सीखते हैं। इसलिए हम तो सोच रहे हैं कि ये स्कूल जो है ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन नहीं। स्कूलों में आजकल केवल क्या सिखाया जाता है? स्कूलों में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि तुम अच्छा पैसे कैसे कमा सकते हो, तुम अच्छे स्टाइल में कैसे रह सकते हो, समझ रहे हैं? तुम अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें कैसे इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ये तो सिखाते ही नहीं कि तुम अच्छे कैसे बन सकते हो, बड़ों को सम्मान कैसे देना है। इसलिए क्या हो रहा है, धीरे 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 देखो जाकर देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग है सबसे निकृष्ट है। सबसे पढ़े लिखे लोग क्या है? सबसे ज्यादा निकृष्ट। अब जाकर के देखो दिल्ली के अंदर, मैं तो जहाँ जॉब करता हूँ ना, देखो पढ़े लिखे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ करके आते हैं, और जब जॉब करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, उनकी जैसे आप रहन सहन देखोगे ना माता जी, यही सब बच्चे हैं जो जब जब शहरों से निकल करके पढ़ लिख कर कहाँ जाते हैं नौकरी करने? दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में जॉब करने जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते बच्चे वहां जाकर क्या करते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
क्या हो रहा है बाजार में, कारण क्या है? कारण यह है कि जो संस्कृति का जो प्रभाव जो होता था, जो वैल्यूज है, वो क्या हो गई, इतनी डाउन हो गई है कि अब कोई किसी की परवाह नहीं करता। वहां जाने के बाद सब छुट्टे हैं और भगवान की भक्ति का तो भाव ही नहीं है। हम तो संसार की बात कर रहे हैं, भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कोई तो कारण होगा ना। कारण यह है कि हमने कभी बताया ही, जब राम मंदिर बना ना, कुछ दिन पहले राम मंदिर बनना चालू हो गया। राम मंदिर बनना चालू हुआ तो आप में से कितने लोगों को खुशी हुई कि हाँ चलो राम मंदिर बन रहा है, इतने दिनों से पेंडिंग केस था रिजॉल्व हुआ, कितने लोगों को खुशी हुई, हाथ खड़े करके बताओ। एक माता को नहीं हुई है। राम मंदिर बना तो सबको खुशी हुई है ना। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जब राम मंदिर बन जाएगा तो क्या राम राज्य आ जाएगा? नहीं आएगा। अरे इतनी छोटी बच्ची भी बोल रही है। फिर कैसे आएगा राम राज्य? कैसे आएगा, कौन बताएगा? राम राज्य माने जहाँ किसी प्रकार का स्त्री सुरक्षित है, जहाँ प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कि प्रजा पर एक भी कष्ट आने से पहले राम जी उस कष्ट को अपने ऊपर लेंगे, वो होता है क्या? राम राज्य। ये राम राज्य कब आएगा, कोई बताएगा? हम तो सब चाहते हैं ना कि राम राज्य आ जाए, सब यही तो चाहते हैं। कैसे आएगा? हाँ बहुत अच्छा, माता जी के ताली बजा के कितने अच्छी बात बोल रहे हैं। संस्कार, माता जी क्या कहना चाहती हैं? संस्कार। राम राज्य केवल राम मंदिर बनने से नहीं आएगा, राम मंदिर बनना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा होनी चाहिए, ऐतिहासिक स्थान तो अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप में राम राज्य कब आएगा? जब स्त्री का, जो स्त्री का चरित्र कैसा होगा, माँ सीता जैसा, बच्चे कैसे होंगे, लव कुश जैसे आज्ञाकारी, पति को पत्नी का संबंध कैसे होगा, राम और सीता जैसा, भाई और भाई का संबंध कैसे होगा, भरत राम जी जैसा, राम लक्ष्मण जैसा, ऐसा संबंध होगा। और माए, जो माँ और पुत्र का संबंध कैसे होगा, कौशल्या राम जैसा। जब इस प्रकार से लोग अपने जीवन में उस चरित्र को उतारेंगे तभी तो राम राज्य आएगा ना, आएगा ना। देखो मैं एक छोटा सा भजन गाता हूँ, कितना सुंदर भजन है, तब जाकर के राम राज्य आएगा। एक भजन है किसी सीरियल में था, उसी को मैं गाता हूँ। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, ओ त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। राम राज्य आ गया, आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना। पर ये कैसे होगा? वो जो हम लोगों ने जो रामायण लेके जो घर में खरीद के रखी हुई है ना, उसको खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको खोलना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ करके अपकमिंग जनरेशंस को, जैसे ये हैं, इनको देना होगा। अभी तो आपके पास में रहते हैं, आपका संस्कार है, ये बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं। मैंने देखा बड़ौद के अंदर बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा, ये बड़ौद का संस्कार बड़ा अच्छा है, माता पिता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। यहाँ एक बिगड़ा बच्चा ढूंढना मुश्किल है, बहुत अच्छे हैं। या तो जहां तक हम गए वहीं अच्छे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अच्छा संस्कार है बच्चों का। लेकिन यही बच्चे जब जाएंगे ना दिल्ली में, जो बड़े शहर में जाएंगे, तो लोग बोले क्या पागल है, कुछ नहीं आता, एंजॉयमेंट तो आती है ना तुमको, मुर्गा खाओ, दारू पियो, सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे संडे माने वीकेंड, वीकेंड यानी मुर्गा कटेगा, सब में बटेगा, है ना, और वो पार्टी। हमें तो जॉब करता हूँ ना, बस ये 5 दिन काम है ना, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, ये उनका मूल मंत्र है। माने जो 2 दिन होश में ही नहीं आना है,
यहाँ तो फिर भी ठीक है, अमेरिका के अंदर हम तो अमेरिका के लिए भी काम करते हैं, वहां तो लोग ऐसा नशा करते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं मंडे को, कि कुछ हमने क्या पासवर्ड रखा था क्या है, सब भूल जाते हैं, ऐसे वैसे नशेड़ी होते हैं वहां के लोग। तो ऐसा होगा भारत में भी तो हो जाएगा ना धीरे धीरे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनकी तो नकल करना चाहते हैं, हम अमेरिका तो बनना चाहते हैं ना, कि नहीं बनना चाहते बताओ, अमेरिका बनना चाहते हैं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, वैसी सड़कें चाहिए, वैसी सुविधाएं चाहिए, नहीं मिलती, कोशिश कर रहे तो अमेरिका चले जाते हैं लोग, पंजाब में तो कितने लोग कैनेडा अमेरिका है ना, मिसेस वागा सब जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको वैसी सुविधा चाहिए, हम भी अमेरिका बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, अमेरिका बनना चाहते हैं, अमेरिका मतलब क्या, ये भी तो समझ लो, हमारा टारगेट क्या है लाइफ में, अमेरिका माने बढ़िया सड़कें, सुंदर सुविधा, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं, केवल इतना ही नहीं है और भी तो कुछ कुछ है, लाइफस्टाइल। अमेरिका के अंदर क्राइम रेट दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा रात में सोने के लिए जो स्लीपिंग ड्रग्स लिए जाते हैं, कौन से कंट्री में लिए जाते हैं, अमेरिका के अंदर लिए जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम वहां जाकर के सुखी हो जाएंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक क्यों कर रहे हैं बताओ, सुखी होने के लिए, कोई दुखी होने के लिए कोई काम करता है क्या, किसी को बोला जाए कि भैया सुबह उठोगे तुम दुखी हो जाओगे तो उठेंगे ही नहीं लोग, बोला हम तो सोते ही ठीक है, हम सुबह उठे भी क्यों, सुखी होने के लिए उठेंगे, बढ़िया नहाएंगे खाएंगे बढ़िया बढ़िया चाउमीन, इसलिए तो उठे, घूमने जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, हम सुखी होने के लिए सारा काम कर रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई ये जो सारी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम सुखी होने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिनको ये ऑलरेडी प्राप्त हो गया उनसे तो पूछो क्या तुम सुखी हो गए क्या, पूछ के तो आओ जाकर के किसी से, वोल्टर ढूंढ रहे हैं स्टिल दे आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, क्या दे आर स्टिल इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, फिर हैप्पीनेस तो मिली नहीं, फिर ये है कहां पर हैप्पीनेस, वेयर इज हैप्पीनेस, कहां पर है हैप्पीनेस, भारत में तो फिर भी ठीक है, वहां तो सोने के लिए लोग बेचारे भी कुछ कुछ लोग तो इतनी सारी गोली खाते सो मरी जाते हैं सुबह सोने के लिए, सो ही नहीं पा रहे, लेकिन भारत में देखो आप लोग के ऊपर कृपा है, कृपा है ना, क्या कृपा है, वहां सोने के लिए लोग क्या कर रहे गोली खा रहे, यहाँ भी देखो कथा थोड़ी बोरिंग हो जाएगी सब सो जाएंगे 10 मिनट में, एक आध माता जी तो सो भी रही होगी पीछे, कोई पता नहीं घूंघट किया सो, जब गोविंद जाएंगे तो हम देखते कथा में ये घूंघट बड़ा अच्छा है, और ये भी सुविधा है, मैं देखा हमारे गांव में ना माता जी लोग कोई मर जाता है ना तो रोना ही पड़ता जबरदस्ती, तो क्या करते कुछ लोग माता जी के घूंघट करके वैसे करते रहते लोग, जो कितना दुख है कितना दुख है बेचारी रो रही है, उसको क्या पता लोटा की चल रही है, ऐसा होता है ना, अंदर अंदर खा भी लेते हैं, एक घूंघट का ये फायदा है, हर चीज के अपने फायदे नुकसान, लेकिन सब बातों की एक बात, सब बातों की एक बात, अगर जीवन में सुखी रहना है, अगर जीवन में सचमुच में आनंद चाहिए, सचमुच में आनंद चाहिए, क्योंकि आनंद ही शरीर से नहीं आता है, आनंद कहां से आता है, हृदय से, मन से आनंद आता है, अंदर से आनंद आता, आनंद बाहर नहीं है, सिद्ध कर दूं, चलो इनसे इनके उदाहरण से लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक बड़ा सुंदर रसगुल्ला दिया है, रसगुल्ला दिया आपने खाया, आनंद आया, आएगा स्वाभाविक रूप में आनंद आएगा, रसगुल्ले में आनंद है, आनंद आ गया ना, लेकिन अभी क्या करा मैंने, रसगुल्ले लाकर रख दिया और खिलाने से पहले खींच के चापड़ मार दिया, अब बोलो बोलो रसगुल्ला खाओ, अभी ना आनंद आएगा, कौन बोले आनंद आएगा इनको, मन खराब हो गया, अंदर से स्ट्रक्चर हिल गया, तो बाहर कुछ भी करो तो आनंद नहीं आएगा, इसका मतलब आनंद बाहर नहीं, आनंद किधर है, अंदर आनंद है, इसीलिए जो गीता भागवत रामायण ये बाहर ढूंढने सुख ढूंढने को नहीं सिखाती है, ये बाहर जो सुख ढूंढने की जो विधि है ये स्कूलों में सिखाई जाती है, गीता भागवत रामायण कहां सुख ढूंढना सिखाती, अपने अंदर, अंदर कौन बैठी है, आत्मा, अंदर क्या है शरीर में, हम लोग आत्मा के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले लोग हैं, जो ईसाई मुसलमान है वो आत्मा को नहीं मानते, तभी तो शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं, क्यों, कयामत की रात को ये मुर्दे उठ जाएंगे, क्या उठेगा उसमें से, हड्डी उठेगी, उठेगी भी तो, मूर्ख लोग हैं बिल्कुल एक नंबर, आत्मा
और अगर आप लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दोगे ना बच्चों को, तो बहुत लोग बैठे शिक्षा दीक्षा देने के लिए, ऐसा मंत्र देंगे ना बच्चे नशेड़ी गंजेड़ी और मांस मछली खाने वाले। पहले के लोग क्या होते थे कि हम प्रेम करते हैं प्रकृति से, प्रेम करते हैं हम इससे, प्रेम करते हैं। आजकल लोगों से बोलो बोलो तुम्हें क्या बोला, वी आर एनिमल लवर्स। क्या है एनिमल लवर्स? एनिमल लवर्स का मतलब ये नहीं जानवरों से प्रेम करते हैं, मतलब जानवरों खाते हैं। एनिमल लवर, ओ आई लव दिस हेन, ओ आई लव दिस डॉग, आई लव दिस हॉग, माने क्या इसको खा जाएगा अभी? सब तो खा गए उठा उठा करके। ये कोरोना कैसे आया था? वो चमगादड़ से आया था खाना। अभी तो यहाँ नहीं खाते हैं बहुत से लोग नॉनवेज, लेकिन जब बाहर जाएंगे ना तो उनको बलात खिला देते हैं। ऑफिस में जाएंगे ना पार्टी में, पार्टी में जाएंगे ऑफिस में जाएंगे तो बोला रहे यू नहीं खा रहा घास फूस, घास फूस खा रहे हो, इसमें क्या पार्टी है? तो घर में भी खा लेता, मुर्गा खाओ चिकन खाओ ये खाओ वो खाओ। ये बच्चा कब खा लेगा? जब वो कमजोर होगा, जब उसकी शिक्षा उस प्रकार से नहीं होगी, जब उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या खाना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ही नहीं पता है। अब आप लोग भी जो बात बताते हो, आप भोले भाले माता जी सब है ना, जो सुना सुना है बता रहे हो। अब बच्चों से बोलो कि बेटा तुलसी परिक्रमा, बच्चे बोले क्या तुलसी परिक्रमा, पेड़ के चक्कर काटते हो, सब मूर्ख लोग मूर्ख हो। बोले सूरज को पानी, तो पानी सूरज को पानी कैसे बेवकूफ लोग। लेकिन जब उसके पीछे कारण बताओगे ना तो फिर ये सब बच्चे करेंगे, स्वाभाविक रूप में करेंगे, भक्ति भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके पहले किसको करना पड़ेगा? सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? माता पिता को करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो भक्ति है, अगर कोई बोले कि ये मन गढ़ंत है, किसी की मनोकल्पना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, हम आपको सारे साइंटिफिक फैक्ट्स दे सकते हैं। गीता इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि कोई सोच भी नहीं सकता। किसी धर्म की बात गीता में नहीं है, गीता में आत्म धर्म की बात है। किस धर्म की बात है? जो बताया ना, ये अंदर की ओर ले जाना सिखाती, आत्म धर्म की। ये आत्मा का क्या धर्म है? कोई बोलता है धर्म माने क्या, धर्म का अभी पूछा जाए धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या है? मैं ओ माय गॉड देख रहा था, क्या देख रहा था? ओ माय गॉड एक पिक्चर आई थी ना, उसने बताया ये मूर्ति पूजा सब नकली है, ये ऐसा वैसा सब बोल रहा था वो आदमी है, परेश रावल एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग करने के लिए दो चार पैसे के लिए आदमी इतना भी गिर जाता है, है ना? गिर गया ना दो चार पैसे के लिए, उसने कैसी एक्टिंग करी और ऐसा सिद्ध कर दिया कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। वो उससे कोर्ट में क्या बोल रहा है, मुझे लगता है धर्म ये होता है, मुझे लगता है धर्म ये होता है, मुझे लगता है ऐसा कर दोगे तो धर्म, ऐसा लगने से क्या धर्म हो जाता है? ऐसा लगने से कुछ भी नहीं होता। अभी पूछा जाए धर्म क्या होता है तो लोग बोलेंगे धर्म माने हम जिस धर्म में पैदा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सिख, ये सब क्या है? धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये सब तो फूट है। धर्म वो वस्तु है जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले, वो धर्म होता है। जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले वो क्या होता है? धर्म। इसी प्रकार सब वस्तु का धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, जलाना होता है ना, वो जलाएगी जलाएगी, चाहे जानबूझ के हाथ डालो चाहे अनजाने में हाथ डालो, जलाएगी, उसका धर्म। इसी प्रकार आत्मा का भी एक धर्म है, वो कभी भी नहीं बदलता, चाहे ये शरीर मर जाए तब भी वो चीज उसको ही धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म की कितनी ज्यादा गड़बड़ डेफिनेशन है दुनिया के अंदर। धर्म वो है जो कभी भी ना बदले। अब जब कभी भी ना बदले तो ऐसी वस्तु तो बस दो ही हो सकती जो कभी नहीं बदलती है, भगवान जो कभी नहीं बदलते ना मरते ना जन्म, और ये जो आत्मा ये भी कभी भी नहीं मरता। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो क्या है? धर्म। सनातन आत्मा का, सनातन परमात्मा के साथ जो प्रेम का संबंध है वो क्या है? धर्म। इसका हमें पालन करना है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ठीक है? इसलिए हमारी संस्कृति धर्म वर्म नहीं सिखाती, हमारी संस्कृति सिखाती है आत्मा परमात्मा को कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, यही धर्म है। और बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, आप लोग सब आना सीखना। एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ, आजकल कैसे चल रहा है। एक लड़का था, उसने नई नई इंजीनियरिंग की थी, है, और जो उसने इंजीनियरिंग करके उसका सिलेक्शन हो गया था, एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना महाराष्ट्र में, भाभा होमी जहांगीर भाभा है ना, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट है, उसमें उसका एडमिशन हो गया। वो बड़ा खुश था, क्या था?
बहुत खुश कि मैं बारहवीं करके सब करके मेरा एडमिशन कहाँ पे हो गया, उसके यहाँ, वहां पे गया, वहां पे गया तो वहां जाकर के उसका सिलेक्शन हो गया। बड़ा खुश था। एक दो दिन हुए तो कॉलेज के एक गार्डन के अंदर बैठा हुआ था, कॉलेज के अंदर एक गार्डन के अंदर बैठ करके बड़ी आराम से कोई बुक पढ़ रहा था, नॉवेल्स पढ़ते हैं ना आजकल बच्चे स्टाइल में, नॉवेल पढ़ रहा था तो एक बूढ़ा आदमी है, एक बूढ़ा आदमी वहां पास में बैठ करके गीता पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? गीता पढ़ रहा था। इन्हें आकर के बोला, इसने देखा कि गीता पढ़ रहा है, इसने आकर के बोला, बोला अंकल सारी लाइफ तो आपकी वैसी खराब होगी है, बाल पूरे सफेद होकर बचा कुचा टाइम और गीता पढ़ के काम खराब कर, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण देश इतना पीछे हो गया है, साइंस वाइंस पढ़ते, थोड़ा कुछ पढ़ते, देश के लिए कुछ करते तो आज हमारा देश का नाम होता, तुम्हारे कारण हम जैसे लोग अब जाकर के कुछ कर पा रहे तो देश का नाम आगे बढ़ रहा है। वो बूढ़ा बैठे बैठे सुनता रहा कुछ नहीं बोला। वो लड़का बोलता रहा, बोला तुम, वो बूढ़े आदमी ने पूछा, बोले बेटा तुमने कभी गीता पढ़ी है? बोले गीता इसको कौन पढ़ता है, ये आउटडेटेड है, आउटडेटेड चीज है, हम तो नॉवेल्स पढ़ते हैं आजकल, बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चरें आ रही है आजकल, ये सब देखते हैं, एडवांस है, क्या है एडवांस, बहुत कुछ नया नया हम लोग करते हैं। वो बूढ़े बोला, बोले बूढ़े बेटा बहुत अच्छा करो है, जो कर रहे हो करते रहो। फिर जब वो बूढ़ा जाने लगा ना, उससे पूछा, जाने लगा तो बोला, बोला रे अंकल अपना नाम तो बता जाओ, कि फेसबुक वेसबुक पे कभी जोड़ लेंगे, यहाँ पे आप फ्री हो कभी मिल लेंगे, मेरे यहाँ नया हूँ किसी को जानता नहीं, आपसे बात कर लूंगा। उसने बोला नाम? बोला मेरा नाम है होमी जहांगीर भावा, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हो ना वो मेरे ही नाम पर है, और जो जितनी रिसर्च है वो किसने करी है, मैंने एटॉमिक की, उसी के ऊपर उस कॉलेज का नाम है। और क्या पढ़ते हैं? गीता। बोला सबसे ज्यादा सॉल्यूशन अगर मेरी प्रॉब्लम कहीं भी आती थी मैं क्या पढ़ता था? गीता से मुझे हमेशा आंसर मिल जाता था। न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन का नाम सुना है ना सबने? न्यूटन क्या कहता है भगवान के बारे में? बोला लोग सोचते हैं कि न्यूटन ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर दी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्जिया, सब कुछ न्यूटन ने दे दिया, लेकिन व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज स्टिल अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ओशन विद अ शेल। अभी पूरा का पूरा समुद्र खोजना बाकी है। लोग बोलते हैं कि न्यूटन ने बहुत कुछ खोज लिया, लेकिन न्यूटन क्या कह रहा है कि एक छोटा बच्चा जैसे समुद्र किनारे सीपियों से खेलता है ना, ऐसे में खेल रहा हूं अभी तो पूरा समुद्र बाकी है। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, न्यूटन इस बात को कह रहा है। आइंस्टीन क्या कह रहा है? इफ देयर इज अ क्रिएशन क्रिएटर मस्ट बी देयर। लोग बोलते हैं अपने आप बन गया, अपने आप बन गया। आइंस्टाइन क्या कह रहा है? आइंस्टाइन से बड़ा कोई साइंटिस्ट हुआ है क्या? आइंस्टाइन कहता है कि बनाने वाला भगवान है। बनाने वाला कौन है? भगवान है। जब एक छोटी सी चीज बिना बनाए नहीं बनती तो इतनी बड़ी सृष्टि जहां कोई ग्रह किसी से टकराता नहीं बिना कारण, सूरज चांद टाइम से उगते हैं, हम तो कभी ना कभी लेट हो जाते हैं, लेकिन क्या ये कभी लेट होते हैं? हमारी बनाई हर चीज में एरर है। साइंस पढ़ा है ना आप सबने, एक ह्यूमन एरर नाम की चीज पढ़ी है, उसके अंदर है ना स्क्रू गेज होता है, सब कुछ होता है, उसमें बोलता है इसमें एरर की संभावना है, पॉइंट 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 तक ले जाएंगे, लेकिन परफेक्ट कैलकुलेशन कभी भी नहीं। आप में से कोई टीचर विचर है क्या? है ना, आप प्रोग्राम है वो टीचर ही है। अच्छा टीचर घर प्रोग्राम हो रहा है, टीचर है। पिटा विटाई मत कर देना और एक तो उठ के चली गई। अच्छा तो हर जगह एरर है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो बात बोली पत्थर की लकीर है, 1% चेंज आज तक नहीं हुआ है। आपको पता है गीता 5,500 साल पुरानी है, एक शब्द इधर का उधर नहीं हुआ है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? बड़े बड़े विद्वान, विदेशी, देशी, जापानीज, चाइनीज, सारे लोगों ने उस पर रिसर्च करी, सब कुछ किया, लेकिन एक शब्द इधर का उधर कोई नहीं कर पाया गीता का। किसी की हिम्मत ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता है ना। अभी स्कूल में जाते हो हर साल नया एडिशन आ जाता है बुक्स का, आता कि नहीं आता है? तुम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हो ना, बड़े एडवांस हो, बड़ी बड़ी मशीनें, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है आपके पास में, देन व्हाई एवरी ईयर बुक्स आर चेंजिंग? क्यों बुक चेंज हो जाती है तुम्हारी? क्यों प्लूटो आउट हो गया? आप लोग जब पुराने लोग होंगे आपने पढ़ा होगा प्लूटो इज अमंगस्ट 9 planet है, प्लेनेटरी सिस्टम में से 9th planet कौन सा था? प्लूटो था, लेकिन अब प्लूटो नहीं है, आउट हो गया। लेकिन गीता का क्या एक श्लोक एक अध्याय कुछ भी आउट हुआ आज तक? क्या आपने सुना महाभारत पार्ट 2, रामायण रिटर्न्स, गीता इज बैक? नहीं सुना?
कोई शब्द कभी भी नहीं हिला, क्योंकि ये शब्द साधारण नहीं है, ये शब्द किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। अगर इन शब्दों को सुन करके अपने जीवन में उतार करके, अगर सचमुच में हमारे जीवन में शिक्षा को लेकर के आ गए, केवल सुनने की बात नहीं है, आप सब पढ़ सकते हो, सब पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे लोग, अगर हम गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, सचमुच में उसके रहस्य को अगर जान गए, समझो मिस्ट्री इज रिवील्ड, एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने पिक्चर की तरह खुल जाएगा। जैसे मिस्ट्री रिवील हो जाती है ना, ऐसी मिस्ट्री रिवील हो जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी संस्कृति को मत भूलिए, राम कृष्ण को जोड़े रखिए अपने साथ में, और उनकी शिक्षाओं को खुद जान करके आगे ट्रांसफर करते रहिए, आगे ट्रांसफर करते रहिए। इससे क्या होगा, हींग लगेगी ना फिटकरी, और रंग इतना चोखा आएगा कि आप चमकोगे, बच्चे चमकेंगे, हमारा देश, सारी दुनिया एक दिन चमकेगी, और भारत फिर से पुनः विश्वगुरु बन सकता है, विश्वगुरु बन सकते हैं। भारत था पहले विश्वगुरु, लेकिन जब आप, जब खुद के लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो कहां से गुरु रह जाएगा? घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई ना। जो टीचर होते हैं उनके बच्चे बात नहीं मानते घर में, नहीं भले प्रिंसिपल हो स्कूल में, घर में बच्चे ने बोला होगी प्रिंसिपल, होगी, हम तो नहीं पढ़े, हम तो मैडम से पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार का। लेकिन हमारा जो भारत के पास जो ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ठीक है, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, चाहे गाय के बारे में हो, चाहे तुलसी के बारे में हो, चाहे गौमूत्र के बारे में हो, या किसी भी बारे में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो एंड ऑफ द डे दे कम टू नो कि जो इंडियंस कह रहे हैं, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ तक कि जो द्वारका है कृष्ण की, वो भी समुद्र के नीचे मिल गई है। यूट्यूब पे देखो ना, अपना समुद्र के नीचे मिल गई है। लोग बोलते द्वारका, तो बोले सब झूठे झूठे, कहां तक बोलोगे झूठे झूठे, ईसाई बड़े खतरनाक है, धीरे 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 हमारे कोर से सब कुछ निकाल करके हमारे दिमाग से मिटाना चाहते हैं इन चीजों को, लेकिन हमें मिटने नहीं देना है, हम उसको जिंदा रखेंगे हमारे हृदय में भी, और जिससे मिलेंगे उसके भी हृदय में बताएंगे, तभी जाकर के पूर्ण रूप में राम राज्य आएगा, जहां पर सब कुछ सुंदर रूप में चलेंगे। अगर हम राम राज्य करते रहेंगे और ऐसी पढ़ाई करते, कभी राम राज्य आने वाला नहीं। शिक्षा दीक्षा भी तो वैसी होनी चाहिए ना। यही बोल करके आप सबसे हमारा निवेदन है कि एक सेमिनार होगा 6 और 7 तारीख को मठ के अंदर, हमारा मंदिर है, उसमें सेमिनार करेंगे बच्चों के लिए, तो आप सब लोग भी आ जाना, आप सब तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सब आकर के सेमिनार को अटेंड करना और उसके अंदर सारी बातों को सीखना, जैसे लॉ ऑफ कर्म है, सर्च फॉर हैप्पीनेस, डज गॉड एग्जिस्ट, है ना, वेदर्स आर रियल और इट्स अ मिथ, है ना, स्क्रिप्चर्स आर रियल और मिथ, ये सारे टॉपिक्स, बड़े सुंदर सुंदर टॉपिक्स, वेज खाना चाहिए नॉन वेज खाना चाहिए, व्हाई नॉट नॉन वेज, क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या, ये सारे सवालों का जवाब उसके अंदर हम लोग एक एक करके देंगे। अभी जो 2 दिन में कवर होगा वो हम कवर करेंगे, आप लोग सब आना और सब लोग उसको अटेंड करना, कॉपी पेन लेकर के आना, और हो सके तो जो लोग और भी इंटरेस्टेड है उन सबको लेकर के आना, बड़ा इंटरेस्टिंग वो सेशन होगा। पिछली बार हुआ था, आप लोगों ने नहीं अटेंड किया होगा शायद, अब की बार आप लोग सब अटेंड करना, सब बच्चों ना, सब लेकर जाना, तुम्हारे जितने यार दोस्त, तुम्हारे जितने सब लेकर के आना, जो भी डाउट्स हो सबको लेकर के आया, ठीक है ना, और खुद भी एक नोट लेना, बड़े कॉपी पेन लेकर के ना, उसको लिखना, लिख करके हम चाहते हैं ना हमारे जो सनातन धर्म धीरे धीरे प्रचार हो, हाँ धीरे धीरे, अभी हमारे जो मुसलमान भाई लोग, ईसाई लोग, हमारे हिंदुओं को धीरे धीरे सब ईसाई बना रहे हैं, सब के सब क्रिश्चियन बना रहे हैं, और हम धीरे धीरे बन जाते हैं मुसलमान बना देते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में हम बहुत कमजोरी है, हमको पता ही नहीं, हम चाहते हैं जितने पढ़ाने वाले हो, और एक दो तो पब्लिक टीचर चले गए पहले, इसलिए उनको भी बोल देना कि सब के सब मंदिर में आए 6 और 7 शनिवार इतवार रखा, क्योंकि उसमें छुट्टी जब का रहेगा, और वो 11 से लेकर के 1 बजे तक, और उसके बाद में आपको प्रसाद के लिए भी हम प्रसाद भी बनाएंगे, ठाकुर का प्रसाद भी बना, ठीक है ना, और सब यंग बच्चों को लेकर के आना सब, और कॉपी पेन के लेकर अच्छे तरह सीखो, चीज को सीखोगे फिर बच्चों के अंदर में, तुम तो टीचर है ना, अब तुम लोग देखो प्रहलाद का नाम सुने हो, सुने प्रहलाद का जो गुरु थे, प्रहलाद का जो गुरु थे, एक का नाम था संध और एक का नाम था अमर, उसका दो जो गुरु थे, एक संधा और अमर, ये संधा अमर का मतलब क्या, संध मतलब होता है सांड और अमर का मतलब होता है बंदर, ये दो गुरु थे प्रहलाद के, कहते इनका ये सांड ये बंदर क्यों नाम ऐसे क्यों पढ़ा, कहते जो भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं पढ़ाते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं, धर्म अर्थ काम के लिए,
कि तो टीचर नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु मतलब क्या है? ये गुरु एक संस्कृत शब्द है, गु गुकार अंधकार, गु मतलब होता अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो जीव का हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा करके दिव्य प्रकाश को जो जगाती है गुरु जी, ये गुरु जी के लिए है। इसलिए हम लोग का अंदर में संस्कार, हम भी बचपन में पढ़े, हमारे इतने टीचर लोग होते थे ना, जब रिसेस होता था हम बैठा कर रामायण सुनाते थे, हम लोग हमको भागवत कथा सुनाते थे। एक समय हमारे गुरु जी जो थे, हम बच्चे पढ़ते समय बोले प्रहलाद की कथा सुना। उसको पिताजी ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है, तो उसने बोले बता मेरे भगवान है नहीं कहाँ, मेरा भगवान तो कण कण में। बोले यहाँ भगवान, यहाँ भगवान, यहाँ भगवान। बोले इसमें भगवान? बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर बैठे हुए। बोले पहले तेरे भगवान को दिखाता हूँ, तेरे को दिखाऊंगा। ऐसे मुष्टिका घात मारे, खंबा फट गया, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमने बचपन में सुना, देखना बच्चों को तो सुना सकते ना, वो उनका दिल में बैठ जाती है। फिर जब मैं घर में आया हूँ, मेरे मैया को, मैया यहाँ भी भगवान है, मैया यहाँ भी भगवान है, मैया इसमें भी भगवान, मैया प्रहलाद महाराज ऐसे भक्ति करते थे ठाकुर जी को प्रकट हो। क्यों आप स्कूल में सुने ना ऐसे टीचर से, जो टीचर से सुनेंगे वही संस्कार बढ़ी जाती है। इसलिए पहले जो टीचर लोग होते थे हमारे, इसमें हमने जो पढ़ते समय पूरा बैठा करके जो अलग क्लास होता था उसके लिए एक रामायण महाभारत गीता इसकी सब कथा सुनाते थे। और हम बचपन में सब कथा सुनते 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 ना हमारे दिल में ठाकुर के प्रति श्रद्धा भावना आ गई। लेकिन अभी टीचर लोग कोई बात नहीं सुनाते, रामायण गीता की भागवत की कथा कोई नहीं सुनाते, इसलिए बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं आते। इसलिए अब लोग गुरु हो, अगर भक्ति का शिक्षा दोगे तब तो गुरु, नहीं तो सांड और बंदर सब। ये भागवत मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत सप्तम स्कंध में पढ़ करके देखो, वो जो श्रद्धा वर्ग जो थे उनको नाम ऐसे क्यों रखी गई है, क्योंकि प्रभु की भक्ति की कोई बात नहीं, केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई। और इतना पढ़ लेते ना बच्चे ना, जब ज्यादा पढ़ लाते हैं पिता माता को, अरे तू गवार तो किया जानते हो, हम इतने लिखाई पढ़ाई से, पिता माता को अनादर करते हैं। लेकिन टीचर लोग ये नहीं सिखा देते हैं सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुओ, पिता माता के आदेश पालना करो। हम बचपन में सुनते थे सब, हमारे टीचर ने बोल दिया सबसे स्कूल में जाकर सबसे पहले सबका चरण छूना। हम स्कूल से भागते हुए आते थे, हम दो भाई थे, कौन जाकर पहले सबसे पहले माँ की चरण छुएगा, सबसे पहले जाकर कौन पिताजी की चरण छुएगा। हम वहाँ भागते हुए आते थे, पहले जितने परिवार में लोग होते थे ना सबका पहले हम आकर चरण छूते थे, इसी क्या देते थे। इसलिए अब लोग सब टीचर हो, कोशिश करना भक्ति की अच्छे तरह से काफी पेन लेकर करना, लिखना लिख करके हमारे सनातन धर्म को आप भी अच्छे तरह से सीखो, और दुनिया को भी हमारे सनातन धर्म गीता को ऊपर उनको भी सुनाओ, उनके अंदर में संस्कार आए, हमारा धर्म घटे नहीं और धीरे धीरे धर्म बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरह से सब सीखो, सीख करके हम चाहते पूरा जो बड़ो तो है ना, जो इसका बड़ो पल बड़ा है, हम चाहते हैं सचमुच से एक दिन यही से हो। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, पूरा घर घर में प्रभु का नाम हो, कीर्तन हो, घर घर में प्रभु का सेवा पूजा हो, घर में उल्टा पुलटा चीज नहीं आए, घर में ठाकुर का सेवा पूजा हो, बच्चे पिता माता को आदर करे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरह से करे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी आना, और जो बच्चे सोचे ऐसे तुम लोग भी अपना यार दोस्तों को लेकर के आना, मंदिर में लेकर के आओगे बच्चे लोग तो भी अच्छे संस्कार बनेंगे, वो भी भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो जीवन में हम सुखी रह सकते हैं, ठीक है। और सबके सब भगवान के नाम जप करना, जो चार बहु की कथा सुने ना, कोई बहु भी जाने के लिए तैयार नहीं होगी, कौन सा बहु जाने के लिए तैयार देवी। जीवन में सबके सबसे सबको जिसमें वो नेगलेक्ट करके रखा था, बेकार को किसी काम के नहीं, लेकिन वही लास्ट में कहती है मेरे सास में जाऊंगी, मतलब क्या हम जीवन में सबसे नेगलेक्ट किसको करके रखते, भक्ति को, ऐसे बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं, उसी माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते, यही बोल रहे। लेकिन अंतिम समय में देखना कोई जाएगा संसार से, एक सुई धागा तुम्हारे साथ में जाएगी ना, पति बेटा बेटी नाती पोती कोई जाएगा साथ में, कोई नहीं जाएगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपना यो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितने प्रभु का नाम जप करोगे साथ में यही चलेगा, हम साथ में कुछ चलने वाले नहीं। इसलिए अरे इसी से ही जीवन में हम सुखी बनेंगे, तो रुपया पैसा धन दौलत से सुखी नहीं बन सकते हैं, कभी जीवन में सुखी बनेंगे तो भगवान की नाम से सुखी बन सकते, ठीक है ना। सबसे भगवान का नाम जप करना और एकादशी व्रत रखना। एकादशी रखते हो कौन कौन? हाथ उठाओ तो कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो?
तो दो चार एकादशी हाँ देखो एकादशी की एक मिनट कथा सुनो। देखो एकादशी कोई सोमवार मंगलवार को कोई अलग अलग व्रत रखता है ना, कोई व्रत रखता है अलग अलग। देखो जो एकादशी व्रत है कहाँ जा रहे हैं, इसलिए जो एकादशी व्रत है ना, जितने व्रतों में सबसे जो बड़ा व्रत है एकादशी व्रत है। इससे बड़ा व्रत दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहते पृथ्वी में जितने सारे व्रत एक तराजू लो, एक तरफ में रख लो, दूसरे तरफ में एकादशी की महिमा को रख लो, एकादशी का पल्ला भारी पड़ेगा। हैं? इसलिए एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत। कौन सा व्रत है? कल्पतरु व्रत मतलब होता है जो मांगोगे। कभी एकादशी का कोई आपको पुस्तक मिलेगा तो उठा करके देखना। एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जिसके घर में संतान नहीं हो रही है, बच्चा जन्म नहीं हो रहे हैं, नहीं तो बेटा घर में नहीं है। नंद बाबा ने बहुत व्रत तपस्या उन्होंने की, घर में बेटा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी, एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जो पुत्र को जन्म देती है। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी की, घर में कृष्ण आए। कृष्ण घर में कौन आए? भगवान कृष्ण, उनके घर में कृष्ण आए। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब था लक्ष्मी। जिसके घर में पैसा की कभी पैसा आ नहीं रही, इसलिए वो एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी। कहते वो एकादशी का खूब घर में पैसा आएगा। एक एकादशी का नाम है अन्नदा। अन्नदा मतलब घर में अन्न शस्य की कम है, कमी है, वो एकादशी का घर में खूब अन्न शस्य आएगा, इसलिए उसका नाम अन्नदा। एक का नाम है विजया। विजया मतलब अगर वो एकादशी करोगे ना सब जगह में विजय विजय होगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा। मोक्षदा मतलब जिसको करने से संसार से तुमको मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचन। पाप मोचन मतलब जगत में हमें क्यों संसार में दुखी भोग कर रहे हैं, पूर्व जन्म का कर्म का पाप से। लेकिन वो एकादशी का नाम पाप मोचन। पाप मोचन मतलब अगर वो एकादशी करोगे ना तुम्हारे जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगा। देखो मैं अपना अनुभूति बताता हूँ। मैं विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, हॉलैंड। मैं नीदरलैंड गया था हॉलैंड में। एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर हड्डी हड्डी हो गया था, लेकिन उसको प्राण नहीं जाता था। इतने पैसा खर्चा होता था। मैं जब विदेश में गया उनको पता चला विदेश से कोई, भारत से कोई संत आए हैं। वो सुन करके हमें बुलाए। जब बुलाए बोले बाबा थोड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बोले कहाँ पर? बोले मेरे को लेकर गए, उनको पूरा परिवार आए। बोले बाबा पिताजी 2 साल से पड़े हुए शरीर में केवल हड्डी हड्डी, जो प्राण के गला में अटक गया, किसी तरह से प्राण नहीं जा रहा, इतने पैसा खर्चा हो रहे हैं, बाबा कोई उपाय है? हम भगवान को कब याद करते हैं जीवन में? जब सारे हाथ से चले जाता है ना, जब कोई हम कोशिश बहुत करते हैं, जब कुछ कुछ नहीं होता है, फिर भगवान को पुकारते हैं, फिर ठाकुर जी को पुकारते हैं। बोले बाबा बताओ इसकी गति कैसे हो। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग सभी घर में एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत करके इसका फल दे दो, जल्दी से प्राण छूट जाएगी। बोले और 10 दिन बाकी है एकादशी। मैंने कहा एक काम करो, अभी संकल्प करो। सबके हाथ में पानी दिया, फूल देकर मैंने संकल्प पाठ पढ़ा। बोले सब लोग बोला जाओ, मगर घर हम सबके सब एकादशी का व्रत, इनको एकादशी का व्रत फल प्रदान करेंगे। उनने जब उन्होंने इसको केवल संकल्प किया ना, संकल्प करके मैं तो आ गया मंदिर हॉस्पिटल से। फिर 2 घंटा के बाद में माता जी को बच्चे को ले जाओ। इसलिए जब 2 घंटा के बाद में फिर उनका फोन आया, बोले बाबा हमारा पिताजी का शरीर अंत हो गया। पिताजी का शरीर 2 घंटा बाद में मेरे पास फोन आया। मतलब आप भी इसी जगत में भी देखना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुख पा रहे हैं अंतिम सज्जा में, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, बोले इनकी जल्दी से जल्दी गति कैसे हो, देखना कौन सा व्रत के लिए बोलेगा। बोलेगा भाई एकादशी का फल इनको दे सकते हैं, और कोई व्रत का नाम नहीं बोलेगा। इतने महिमा एकादशी की, इसलिए भागवत पढ़ करके भी देखो सुन करके, वहां पर कोई बार व्रत का नाम नहीं आती है, केवल एक व्रत का नाम आती है। किसका नाम है? एकादशी, जिसको अम्बरीश महाराज करते हैं, जिसको दुर्वासा ऋषि मारने के लिए कोशिश किया तो सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट होकर के दुर्वासा जी शंकर जी का बता उसको खदड़ते हुए ले गए ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा भी रक्षा नहीं किया, तो उन्होंने ले गए शंकर जी के पास में गए, शंकर भी रक्षा नहीं किया। लास्ट में उन्होंने भगवान विष्णु के पास में गए, विष्णु भी रक्षा नहीं की। विष्णु भी लास्ट में उनको किसको पास में? अम्बरीश को पास में आना पड़ा। अब कथा सुनाऊंगे भागवत में, इसका मतलब जो एकादशी व्रत करेगा ना, ठाकुर का सुदर्शन चक्र उसको हर समय रक्षा करता है।
ठाकुर का सुदर्शन चक्र रखा करे उसके लिए। इतने एकादशी की महिमा, ये 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है। एकादशी का दिन अब लोग सब जानते हो, घर में सब माताएं करती होंगी, उस दिन अन्न नहीं खानी चाहिए और सब चीज खा सकते हो, हैं? और सब चीज खा सकते हो, फल मूल कुट्टू का पकौड़ा मूंगफली और क्या मखाना खा, खीर बना कर खा सकते हो, दूध दही खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है। कोई कोई व्यक्ति तो घर में अगर लड़ाई हो जाए ना पति पत्नी में, 2-3 दिन तक एकादशी व्रत रखते नहीं, 2-3 दिन की एकादशी चलती रहती है। हाँ, ये पुराण में कथा आती है, एक दिन क्या हुआ पता नहीं था, आज एकादशी, घर में लड़ाई हो गई, सब हो जाती है पति पत्नी में, लड़ाई हो गई तो पत्नी ने बोली आज खाना नहीं बनाओ, पत्नी का तू बनाओगी, मैं खाओगी तब तो बनाओगी, वो खाना नहीं बनाई, उसी दिन था एकादशी व्रत, वो उनको निर्जला पूरा व्रत हो गया। और क्या हुआ फल जानते हो, दूसरे जीवन में राजा रानी होकर जन्म हो गई। एक एकादशी में इतने लड़ाई करके व्रत कर दिया। कोई एक राजा था जिस घर में एकादशी व्रत रखते थे, एकादशी व्रत पहले कुछ खाते नहीं, घर में दामाद आ, लेकिन उनको अन्न खाना भी जितना पाप, अन्न देना भी उतना पाप है, उस दिन खानी नहीं चाहिए और देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो तो वैष्णव परिवार था, वो दामाद आए, दामाद को तो राजा जी से सेवा होती है, बोले नहीं हम एकादशी के दिन अन्न नहीं दे सकते, उनका अनजान में एकादशी व्रत रखना पड़ा उनको, रखा तो अगले जीवन राजा बनकर जन्म लिया। इतने महिमा अनजान में भी अगर एकादशी व्रत हो जाए तो इतना महिमा, अगर कोई जान बूझ कर एकादशी व्रत कर आप सोच भी नहीं सकते उसके कितने पुण्य है। पृथ्वी का सारे व्रत को एक तरफ में रख दो, लेकिन एकादशी व्रत को एक पल्ले में रखोगे तो उसका भारी है। इसलिए एकादशी व्रत, जैसे भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं, आप पढ़ कर देख लो, केवल एकादशी का व्रत, लेकिन कोई कोई कहते नहीं विधवा करती है, सधवा नहीं करती। अब भागवत पढ़कर देखो, नंद जशोदा स्वयं रखती थी, रुक्मिणी सत्यभामा स्वयं रखती थी, जो कृष्ण की पटरानी बनकर जन्म ली, अंबरीश महाराज की पत्नी एकादशी व्रत रखी, उन्होंने भी रखी, नहीं ऐसे नहीं है। इसलिए एकादशी व्रत बताया 8 साल से लेकर के देखो श्लोक है, अष्ट वर्षा दिख्या पुण्य आशीत सिद्धि वर्षरी, श्लोक है, 8 साल से लेकर 80 साल तक एकादशी सबको करनी चाहिए। हैं? कोई कोई लोग अपने उद्यापन करना पड़ जाता है, नहीं हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापना की बात नहीं, जितना दिन तक तुम्हारी समर्थ है उतना दिन तक व्रत रखो, अगर नहीं कर पाओगे तो भगवान से माफी मांग लो, ठाकुर जी दयालु हैं। अगर अनजान में करने पर इतना पुण्य है, जान बुझ कर करोगे तो कितना पुण्य नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई उद्यापन का कोई बात हमारी वैष्णव जगत में नहीं, जितना दिन तक हो उतना दिन तक कर, नहीं कर तो कोई बात नहीं, लेकिन समर्थ रहते हुए एकादशी व्रत रखनी चाहिए, ठीक है ना। और एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये सब पाप रहते हैं, इसलिए उसी दिन अन्न नहीं खानी चाहिए, अन्न नहीं देनी चाहिए, जैसे सोम मंगल बृहस्पति, अगर ये व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारी कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर एकादशी नहीं करोगे तो हानि है, क्योंकि अन्न में सारे पाप रहते हैं, ठीक है ना। सबके सब एकादशी व्रत करो और भगवान का माला जप करो और जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगा देगा नहीं लगाते, लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते, इसलिए कोशिश करना जिसे प्याज लहसुन को जैसे छोड़ सके। नवरात्रि रखते हो, 9 दिन तक प्याज लहसुन कोई खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना, क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो क्या? 9 दिन तक मैया के खुश रखो, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा नहीं, जो माता जी को जो पसंद नहीं ना वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी की चीज भोग नहीं लगती है ठाकुर जी को, प्याज से भोग लगाते हो ठाकुर जी को? नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? ये भागवत में कथा आई, जब भगवान सुदर्शन चक्र से सौर भानु दैत्य को उन्होंने गला काट दिए, जहां पर उसका मांस गिरा वहीं पर प्याज है, जहां पर उसको हड्डी गिरा हुई पर लहसुन जी, इसलिए ठाकुर जी को ये चीज भोग नहीं लगता है। इसलिए नवरात्रि 9 दिन तक कोई माताएं घर में प्याज लहसुन घर में घुसाते हो? इसलिए नहीं घुसाते, क्यों? उसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से सृष्टि हुई, इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन नहीं खाने के लिए, और जो कुछ खाओ ठाकुर जी को क्या करोगे? ठाकुर जी क्या करोगे? देखो भोग लगाने का कितना पुण्य है। सुदामा जी का नाम जानते हो? कौन कौन सुदामा का नाम सुना? गरीब पहले गरीब था, बाद में धनी बना। ये गरीब पहले था क्यों? आप लोग टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा जा रहे थे जंगल में, उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया, बोले देख कृष्ण को देख कर खाना। अब देखे होंगे ना टीवी में, वो पेड़ के ऊपर बैठे बैठे छुपा छुपा कर खाए, खाए ना, इसलिए उसको गरीब बनना पड़ा, क्यों? ठाकुर को दिए नहीं, लेकिन धनी का बना,
जब उसको पत्नी को पता चला अभी द्वारकाधीश, अभी कृष्ण द्वारकाधीश है, इनका बचपन का दोस्त बोले ठाकुर को दर्शन के लिए जा, बोले खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए हैं। आप लोग देखे होंगे टीवी में, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं, अपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी। आप लोग देखे होंगे जब सुदामा आता है क्या देखता है, राज बहे, पत्नी को पहचान नहीं पाया, उसका पत्नी राज रानी उसका आरती उतारने के लिए आए, वो बोली ये राजकुमारी मेरे तरफ मेरे आरती ही उतार के आ रही है, वो पीछे हट रहा है, तब वो बोले पीछे क्यों हट रहे, बोले तू है कौन, बोले मैं तो आपको वही सुशीला बोली, ये क्या है, बोले आप ठाकुर के लिए चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर दो मुट्ठी खाए ना इसलिए राता रात दे दिया। देखो इसका मतलब है अगर ठाकुर जी को भोग लगाओगे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज खरीदी कर तो पैसा से, पैसा से ना, पैसा लक्ष्मी, जो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगा तब तो लक्ष्मी आएगी, अगर वो लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगा, ठाकुर को भोग में नहीं लगेगा, तो लक्ष्मी क्यों आएगी, वो दरिद्र फिर बना देती है, घर में धीरे धीरे पैसा आना कम हो जाएगा, क्यों, लक्ष्मी नाराज तुम्हारे घर में, क्यों लक्ष्मी को तुम भोग कर रहे हो, लक्ष्मी नारायण की, नारायण की सेवा में, कृष्ण सेवा में नहीं भोग लगा रहे हो। लेकिन कोई कोई कथा तो भोग लगाते हैं, बोले कैसे, बोले खुद तो प्याज लहसुन डाल डूल कर चकमाल खुद खाते हो और ठाकुर जी को थोड़ा बातासा दे तो दूध रखते हैं, नहीं इसको भोग लगाना नहीं कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर में एक नौकर है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया तो खाता है लेकिन मालिक को जैसे तैसे खिला देता है, अगर मालिक को पता चलेगा तो क्या करके नौकर को बोलो बाहर निकाल देगा, बोलो क्या बोले, आप बोलो घर का मालिक कौन है, हम ना ठाकुर जी है, ठाकुर जी है ना, ठाकुर तो देख रहे हैं, बोले हे भगवान घर का मालिक मेरे को तो बैठा दिया, थोड़ा दूध दे दिया और चकाचक शाही पनीर मटर पनीर रोज खूब मटर पनीर शाही पनीर खा रहे और मेरे को तो यहाँ बैठा कर रख दिया, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या करो जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगाने से लक्ष्मी घर में, लक्ष्मी आएगी घर में, कितना जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अन्न जैसे खाओगे ना मन तुम्हारी वैसे बनेगी, अगर प्रसाद भोग लगा खाओगे ना फिर मन तुम्हारी पवित्र होगा, मन निर्मल और मल तुम्हारी शुद्र होगी, ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय। हाँ सबके सब घर खड़े हो जाओ, एक कीर्तन कर लेते हैं और अब ठाकुर जी आरती उतारे क्या, हाँ देखो और एक बात सुनो, जैसे इन्होंने अपना घर में बुलाया ना भक्त लोगों को, अगर आप लोग भी अगर चाहते हो आप भी घर में बुला सकते हो, ठीक है, आप लोग घर में बुला सकते हो, देखो जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो ना कितना मंगल भवन अमंगल हरि, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो, इसलिए जिस घर में कीर्तन हो वो घर नहीं कदिए तो भगवान का धाम बन गया, क्या बन गया, घर के जितने पाप दुख कष्ट भगवान का कीर्तन से सब घर से निकल जाते हैं, वो घर भगवान का वैकुंठ बन जाता है। इसलिए अगर आप लोग कोई चाहोगे तो ये जो अड़ोसी पड़ोसी में रह रहे हो ना हमारे प्रभु जी मंदिर में आते हैं, क्या नाम है, सुरेश, सुरेश प्रभु जी, इसलिए ये मंदिर में आते हैं, इनके धर्म पत्नी भी आती है, अगर आप इनको बोलोगे ये हमारे मंदिर में बोल देंगे फिर आप घर में आएंगे बच्चों को समझाएंगे और बच्चों को बच्चे भी भजन करें, आप भी भक्ति करो, परिवार में अगर भक्ति का माहौल रहेगा ना देखना बच्चे भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम जहाँ जहाँ जाते हैं कोई कहते हैं हमारे पति शराब पी रहा है उल्टा पुल्टा रास्ता में चल रहे हैं, कारण क्या, सत्संग से दूर है इसलिए, लेकिन जब घर में सत्संग होगा इस गंदी चीज घर से हट जाएगा, ठीक है, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगवान के दरबार में जो नाच ले उसको 84 लाख जुनी में नाचना बंद हो जाएगा, सबके सब अगर हाथ उठा करके जब हम होली का कीर्तन करेंगे उसको करना अभी नहीं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल
जितने मोटे हैं ना सब पतले हो जाओगे, आप पतले सब मोटे हो जाओगे। जब देखना मेन रोड में शादी बारात बारात में पी पा करके एकदम पागल होकर नाचते हैं, ठाकुर के कीर्तन में नहीं नाचोगे तो फिर तो सबको सामने नाचना पड़ेगा दुनिया में, जेठ को सामने, पति को सामने, सासू को सामने, ननद को सामने, लेकिन भगवान के दरबार में बच्चा इधर आ जा, हरे कृष्ण इधर आ जा, इधर आ जा, हमारे साथ में आ जा, बच्चा इधर आ जा, इधर आ, इधर तुम इधर इधर फिर इधर आ जा, हाँ थोड़ी थोड़ी शरीर को हिलाओ, बल आज भी रज में Oh,
सुरेश प्रभु की उनकी धर्म पत्नी की क्या नाम बोलो विनीता देवी की और उनकी बच्चों की और उनकी परिवारों की और सत्संग में आने वाले सारे भक्त वृंद की बड़ोद के भक्त वृंद की जय जय श्री राधे गुरुदेव महाराज की जय। कौन कौन।